Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. तरह की लड़की है, नाम, काम, परिवार, खानदान सब के बारे में लिखा है, A to Z लिखा हुआ है। अच्छा होता अगर तुम हवाई जहाज की तरह यहाँ से चले जाओ, मुझे संदीप की शादी नहीं करवानी। सुंदर, शिक्षित, जिससे घर का काम आता हो, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, मजुमदार, बोस, घोष, विश्वास दे, सेन गुप्त, परवल, बैरागी, हल्दर, कर्मकार, परमाणिक मंडल, भौमिक, दत्त राय। मेरी राय सुनो, बेटे की शादी करवाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर मेरे जैसी हालत हो जाएगी। उम्र 50, बाल पके, पैर में दर्द और घटिया, लड़की नहीं मिल रही, क्या करूं? तुम अपनी ये घटिया हंसी को बंद करो, चुप, मेरे सामने से दफा हो जाओ। ये देखिए, एक से एक बढ़िया लड़की, आप जिसे चाहिए उसे पसंद कर लीजिए। कौन बनेगी आपकी बहू? सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, बहू आएगी सर दबाएगी। आपका दिमाग खराब हो गया है, कब से कह रही हूँ मेरा बेटा अभी शादी नहीं करेगा, मेरे पीछे ही पड़ गया है। मालकिन, इससे भी अच्छी लड़की है। जाओ जाओ। सुनिए, इससे भी अच्छी लड़की है। रुक, मामा कहते कहते कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहे हो? ऊपर जा रहे हो? हाँ, इनके साथ सीधा ऊपर पहुँचा दूँ क्या? माँ, कहीं का ज्यादा होशियारी मत दिखाना। कब से मुझे परेशान कर रहा है? माँ, माँ क्या हुआ? ये देख, ये आदमी कब से मुझे परेशान करे जा रहा है। ये देखिए, मेरा बेटा संदीप अभी भी कॉलेज में है, कितना छोटा है ये। पढ़ो पढ़ो भाई, पढ़ो और पढ़ो। हाँ, पढ़ने ही तो जा रहा हूँ, लेकिन आप कौन है? पंडित। पंडित, अब आप सीधा यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ, चल चल बाहर। जाता हूँ, चल जाता हूँ, रुक जाओ। संदीप के पिता यानी आपके पति शिव बाबू, मतलब शिवशंकर जी, उन्होंने मुझे बुलाया है। पिताजी, पिताजी ने आपको भेजा है? हाँ, तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करने के लिए। माँ, ये मुझे कुछ नहीं पता बेटा, तेरे पिताजी ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ये अपने मन से बोल रहा है। सुनिए, अगर पिताजी ने आपको भेजा है तो आप पिताजी से ही बात कीजिए। हाँ, मिलने के लिए तो आया हूँ, लेकिन वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर चले गए। चले गए, लेकिन कहाँ? शंकरपुर। शंकरपुर मतलब मेदिनीपुर का शंकरपुर? हाँ। अरे वो तो मेरा गांव है, मैं तो परसों वहाँ जा रहा हूँ। फिर क्या बात है, जाइए वहाँ पर अपनी इन बड़ी बड़ी आँखों से पिताजी को खोजिए। हाँ, खोज लूंगा। चल चमेली बाग में तुझे अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ आपके आपके लिए बहुत ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ। तुम पंडित हो? जी बिल्कुल पंडित हूँ, शादी वाला पंडित। कौन? शादी का मंत्र पढ़ता हूँ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। अरे रुको रुको, मेरा नाम है श्रीमान पांडुराव पंडित, चार हाथ मिलाने को आया हूँ। मेरा गाँव है ये शंकरपुर,
और वर्तमान में जो मेरा पता है वो कोलकाता टालीगंज। तुम मिलाने की बात कर रहे हो, चार हाथ को। ओ, इसका मतलब तुम पंडित हो। बड़ी जल्दी समझ गए आप। जंगल, पहाड़, पर्वत, कहीं भी आप संकट में आएंगे तो मुझे याद करेंगे, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ये तो लोकनाथ बाबा की वाणी है। सही कहा, मैं उन्हीं का ही तो शिष्य हूँ। जय हो। अब काम की बात करते हैं, ये फोटो कागज सब कुछ लेकर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। हाँ, बट व्हाई? सी बीच पर मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं आप, वो देखिए कितनी बड़ी लहर है। अरे बाप रे, वो सी। सर। हाँ। सी द ब्यूटीफुल लड़की। उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। कोलकाता के बजाय तुम यहाँ पे मिलने क्यों आए? कोलकाता में मैं आपके घर गया था सर। मैडम जी, नो रिस्पेक्ट, सिर्फ रिजेक्शन। हाँ। सच में मुंह पे कह दिया, लड़के की शादी नहीं करूंगी। नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। हेलो हेलो, किसको? हेलो, है, ये क्या कर रहे हो? कुछ कुछ होता है सर। क्या होता है? दिल तो पागल है। ए पागल, हाथ हटा। हाथ हटाऊ? अबे हाथ हटा। हाथ हाथ नीचे करो। अच्छा अच्छा, हाथ नीचे। ए कहाँ घूम रहा है? इधर देख, इधर देख, इधर देख। अब सुन, लड़की के सारे कागजात और फोटो के साथ 15 दिन के बाद कोलकाता में आके मुझसे मिलना, दिल तो पागल है। अच्छा, आपसे मिलने के लिए कोलकाता हूँ? किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जो बोलना है मैं ही तुम लोग को बोलूंगा। सज धज के राधा एक दिन चली थी जमुना किनारे, सुनसान सन्नाटे में, और कमर में पानी से भरा हुआ मटका, और इतनी धीमे चल रही थी किसी को उसकी आहट सुनाई नहीं दी। और राधा चली पनघट से हले हले हले, राधा चली पनघट से घर को, और उनके सखा श्री कृष्ण जी राधा मिलन को तरस रहे थे। राधा के पैरों की छनछन कोई नहीं सुन पा रहा था, इसलिए राधा चली हले 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 धीरे। अब बताओ ये क्या है? वी फॉर विक्ट्री। बिल्कुल नहीं, इम्तिहान के लिए बस 2 महीने बचे हैं। हो सकता है। मैं भी ये सोच रही हूँ, पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा। मैं वो नहीं सोच रहा, कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? आज से 10 दिन के बाद हमारा कॉलेज खत्म होगा। उसके बाद तुमसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कॉलेज के बाद शाम को मेरे घर आने का रूटीन जो बना हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो तो है। जब तक मैं तुम्हें बहू बना के अपने घर परमानेंट नहीं ले जाता, तब तक तुम्हारे घर पे तो आना ही पड़ेगा। तो अब चले हम? चलो। पुकारू मैं तुम्हें, कानों में जरा भूलो ना, किस नाम से पुकारू मैं तुम्हें, कानों में जरा भूलो ना। कौन सा फूल लगे प्यारा तुम्हें, नाम उसका तुम बता। जिस नाम से पुकारोगे मुझे, जिस नाम से पुकारोगे मुझे, कानों में जरा कह जा। कौन सा फूल लगे प्यारा तुम्हें, मुझे वो फूल जरा गाना। किस नाम से पुकारूं मैं तुम्हें, कानों में जरा बोलो।
कौन सा फूल लगे प्यारा तुम्हें, नाम उसका तुम बताओ। जिस नाम से पुकारोगे मुझे कान में जरा कह जाओ। देखो देखो आशा, तुम्हारा बेटा छोटा सा बच्चा नहीं रहा है, उसे शादी की समझ तो अब आ ही गई है। चुप करो तुम, कैसी बातें करते हो? बेटे की शादी करने का मतलब समझते हो? पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगी, दो दिन में पैं पैं संदीप का करियर खत्म हो जाएगा। सुनो सुनो, संदीप की उम्र अभी 22 है और मैंने तुमसे शादी की थी 21 की उम्र में, तो क्या मेरा करियर खत्म हो गया? तुम कौन सा बड़े आदमी बन गए? अभी भी शेयर मार्केट के दलाल हो। ए, दलाल नहीं बोलना, दलाल नहीं बोलना। तो अंग्रेजी में बोलूं ब्रोकर? ए, ब्रोकर ब्रोकर मत बोलो, बोलना ब्रोकर्स फॉर्म का मालिक। कैसा मालिक है ये? अपने बेटे को तुम्हारे जैसा होने ही नहीं दूंगी मैं। तुम्हारा बेटा कैसा मुझे पता है, अभी वो छोटा नहीं है, हीरो बन के यहाँ वहाँ घूम रहा है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम भी मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शादी के लिए हमारे खानदान की रीति तुम्हें पता नहीं? पता है, पता है, अच्छे से पता है। 25 साल के अंदर शादी करना, यही तो? तो फिर संदीप के 25 साल होने में अभी 3 साल बाकी हैं। अरे बाबा, इस उम्र में लड़की की शादी करवा देंगे ना तो घर में छोटी सी बहू आ जाएगी, हैं? तो तुम उसे सिखा पढ़ा के अपनी तरह होशियार बना देना, अपने जैसा। सर नो टेंशन, मैं आ गया। अरे पंडित, आओ आओ यहाँ बैठो। अरे जल्दी आओ यहाँ बैठो। अरे भाई, तुम्हारा फोटो का खजाना तो दिखाओ, दिखाओ ना। मैं अपने साथ सब कुछ लाया हूँ, लेकिन कुछ खाने की व्यवस्था कर दीजिए, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आशा, खाना लाऊं? हाँ। लाती हूँ। ए सुनो सुनो, मैं जो मिठाई लाया था ना इनको दे। मिठाई? मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तुम मुझे मीठी खबर सुना रहे हो, मैं तुम्हें मिठाई ना खिलाऊं ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे सुनो पंडित, नगदी और दहेज के बारे में जो कुछ भी मैंने बोला था सब याद है ना तुमको? याद मतलब? मैं अभी तक भूला ही कहा हूँ। मिल गया मतलब? मुझे मिठाई बहुत पसंद है। वाह, अच्छे से खाओ, अच्छे से। हाँ, अच्छे से खाइए। आनंद ने खाओ खाओ खाओ। जब भूख लगती है ना तो धीरे धीरे खाना चाहिए, धीरे धीरे। अरे फोटो तो दिखाओ जल्दी, फोटो दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। लड़की मैं साथ में लेके आया हूँ। साथ में लेकर आया हूँ मतलब? कहाँ है? अंदर आना नहीं चाहती।
ए, तुम सब अंदर आ जाओ, अंदर आओ ना। वो देखिए, ये दोनों लड़कियां आपकी बहू है। दो लड़कियां मतलब? ये दोनों तो बच्चियां हैं। आपने तो कहा था कि 18 साल की लड़की चाहिए। हाँ। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन उतनी उम्र की लड़की नहीं मिली, इसीलिए मैं 9-9 साल की दो लड़की ले आया। दो दो 9 साल की लड़कियां? 9 और 9 दोनों को मिला तो 18 होता है, इसीलिए मैंने ये ठीक किया कि अच्छा ही होगा, एक लेने जा रहे हैं दो मिल रही है। क्या देखो तुम्हारे पंडित के दिमाग में क्या है, देखो दो दो बहू। आपका मैं पंडित हूँ, पंडित के लिए कुछ कर दीजिए। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे थाने में रिपोर्ट करवा दूंगा तेरे खिलाफ। नाबालिग के साथ मेरे बेटे की शादी करवाएगा तू, ऊपर से जुड़वा छोटी छोटी बच्चियाँ। चलो 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 बेटी चलो। सुनो पंडित, इस बार 18 साल की एक ही लड़की लाना। ले आऊंगा, बार बार गलती थोड़ी ना करूंगा। अरे नहीं नहीं, 18 मंजिल का घर बन सकता है, 18 साल की उम्र की लड़की ढूंढ नहीं सकता। अब मैं आप दोनों को लड़की के घर ही लेकर के जाऊंगा। संध्या, संध्या, ओ संध्या। क्या? ये देखो, जूही चावला जैसा खूबसूरत चेहरा मुझसे इतना कड़की क्यों बात करती है? हाँ? अरे संध्या, मेरी बातें जरा प्यार से सुनना। चुप बोलना, बोलो, मुझे देर हो रही है। नहीं, जल्दी जल्दी नहीं कर पाऊंगा, पहले हमारे रिश्ते के बारे में कुछ सोच। तुम जाते हो या नहीं? नहीं, नहीं जाऊंगा, तुझे छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पहले तू जरा मेरी मन की बातें सुन ले। मैं क्या बोल रहा हूँ, संदीप जो है ना, इतना सा लड़का, इतना छोटे बच्चे के लिए लड़की देखी जा रहे है, कर लो बात। और वी टुगेदर। बाप रे संध्या, तुझे लगी तो नहीं, हम तो अभी एडल्ट हैं, हमारा मामला अगर फाइनल हो जाए तो मजा आ जाए। तो कैसे? निकल, निकल, चल, निकल, निकल जा यहाँ से। संध्या जाओ, जाओ यहाँ से। ये ठीक है। आशा, आशा। संदीप, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पिताजी। मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। हैं? तुम्हें एक खबर सुना रहा हूँ, सुनके तुम्हारा पढ़ाई में और मन लगेगा। तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। मतलब बीए के एग्जाम के बाद तुम्हारी शादी करवा देंगे। हाँ। अच्छा, तुम ये क्या बोल रहे हो, क्यों इस तरह बोल रहे हो, उसे पढ़ाई करने दो। मैं तो अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। अच्छे के लिए? बिल्कुल नहीं, तुम्हें उसके करियर की कोई चिंता नहीं है, ऊपर से उसके कंधों पर शादी का बोझ दे रहे हो। बाइक के पीछे लड़की बिठा करके घुमाना क्या करियर है? ये सब कब देखा? तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। ओ। मुझे और कुछ भी नहीं पता है, मैं अपना डिसीजन बोल के जा रहा हूँ, और तुम लोग को पता है मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करता हूँ। बड़े भैया, बड़े भैया। कौन? अरे आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ सुरबाला। कौन हो तुम? सुरबाला। ओ सुरवाला। पहले ऐसी दुबली पतली जाने दो। अरे बस 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 बस, 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 बस। बहुत दिन हो गए थे तुमको देखे। हाँ, ये कोई 20 साल बाद। हाँ, जब से तुम विधवा हुई और दार्जिलिंग के किसी चाय बगान में काम करने लगी, तब से मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिली नहीं तुमको। कैसे मिलते मुझसे? तब तो मैं दार्जिलिंग से आसाम, आसाम से उड़ीसा, उड़ीसा से आगरतला, बस काम के लिए घूमती रहती, बेटे की परवरिश जो करनी थी। ओ। अरे वाह, ननद जी आई हैं। हाँ भाभी, आपकी ननद सुरबाला। आपकी सेहत तो पहले से बहुत खराब हो गई है। भाभी आपका भी रंग रूप पहले जैसा नहीं रहा है। मैं फिट हूँ। कहाँ फिट हो तुम, शुगर प्रेशर न जाने कितनी बीमारियाँ पाल रखी है। भैया आप पहले की तरह मिठाई खाते हो? खाता हूँ लेकिन थोड़ा कम खाता हूँ। कम कर दिया है, जब शुगर बढ़ जाता है तब नहीं खाते हैं। अच्छा। और जरा ठीक हुए तो बस शुरू हो। अरे हमारा छोटू कहाँ है? छोटू वो कहाँ है, वो छोटा सा बच्चा?
अरे बाबा, वो अब बच्चा नहीं रहा भैया, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया है। और उसी के खातिर मुझे 5 साल हो गए मैंने काम छोड़ दिया। तो लेके क्यों नहीं आई? साथ ही में तो आया है। कहाँ? शर्म के मारे दरवाजा के पीछे खड़ा है। हे भगवान, ए, शर्म किस बात की, बुलाओ ना उसे। अरे ओ पलटू, जय मां काली। ये कौन है? यही तो मेरा बेटा पलटू है। जय मां काली कलकत्ते वाली। भैया वो तो साधना करता है पहाड़ में, जंगल में, नदी किनारे है? इसलिए अभी उसकी इच्छा है शहर में रहकर साधना करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। यही तो मेरा बेटा पलटू है। अरे बेटा पलटू, उठो उठो बेटा, मामी के पैर छुओ, मामी के पैर छुओ बेटा। अरे अरे नीचे, कहाँ है पाँव, कहाँ है पाँव? मेरे लिए साक्षात आप, मेरे लिए साक्षात जगदम्बे मैया हो। जय माता। हम लोग ना कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, इसकी मन की इच्छा है कि यहाँ रहकर अच्छी तरह से साधना करेगा। यहाँ साधना? बहुत साधना करूँगा। भाभी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे क्या बात कर रही है, कैसी तकलीफ? चुप रहिए। अच्छा, कैसी तकलीफ? आपका जब तक मन हो तब तक रहिए, मैं आपके बेटे के लिए रहने की सब व्यवस्था कर दूंगी। चुप। जय माँ काली। माँ संदीप आओ। ननद जी देखिए मेरा बेटा संदीप। ओ, ये तुम्हारी बुआ जी हैं, पैर छुओ। और ये है तुम्हारा बड़ा भाई, बुआ का लड़का हूँ, फिरंगी बाबा। पता तुमको संदीप इस बार बीए का एग्जाम दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई ये। और एक खुशखबरी है। वो क्या? संदीप के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। ऐसी बात है क्या? क्या सोच रहे हो रीना? मुझे लगता है तुम एक डरपोक हो, बिल्कुल शरद चंद्र के नॉवल के उस पात्र की तरह। बिल्कुल नहीं, मैं हूँ इंद्रनाथ। फिर तुम हमारे बारे में अपने पापा से बात क्यों नहीं कर लेते? अब जवाब दो। ये बात है, मैं अभी पिताजी से जाके बोल सकता हूँ कि मैं रीना से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मैं... समझ गई। कुछ नहीं समझी, मुझे थोड़ी शर्म आती है। क्या आती है? शर्म, शर्म आती है। सिर्फ शर्म नहीं आती, मेरे दिल के अंदर डर का तूफान उठता है और फिर उसमें धक 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 होने लगता है। सुनो सुनो जरा, अच्छे से सुनो जरा। कहाँ? सुनो ना, सुनो ना। ए, ये क्या कर रहे हो बेशरम कहीं के? ओ, इसी बहाने पास आ रहे हो, बदमाश कहीं के? पास कहाँ बुलाया, तुम्हें तो मैं मेरे दिल की धड़कन सुना रहा था ना। धड़कन सुना रहे थे? हाँ, ये धड़कन क्या है जानती हो? ये धड़कन प्यार की धड़कन है, समझे? नहीं नहीं समझ जाओगी। घर पे अगर अभी बोल दिया तो तुमसे तुरंत शादी करने का दिल करेगा, और फिर माँ के बारे में सोच के भी दिल धड़क रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ ने कहा शादी हो जाएगी तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम पैदा करोगे बच्चा। बेशरम? ओ, मैं बेशरम हो गया। ठीक है, जब मैं बेशरम हो ही गया हूँ तो थोड़ी बेशरमी कर ही लेता हूँ। अरे ऐसा नहीं करते प्लीज, पिताजी अभी मिठाई लेके आते होंगे, छोड़ो प्लीज। जानती हो तुम्हारे ये होठ मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। अरे सुनती हो रीना बेटी, ये देखो तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे और जलेबियां लाया हूँ, संदीप को पसंद है ना? और नहीं तो क्या, तो जल्दी दे दो। ऐसे ही दे दूं क्या? मैं अभी प्लेट लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। और बेटा पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ चल रही है ना। चलने से नहीं चलेगा, अच्छे से चलना होगा। मेरे हिसाब से तो आजकल परीक्षा बहुत टफ हो रहा है। शादी से पहले तुम्हारे पिताजी ने बोला था कि मैं तुम्हें फ्रिज दूंगा। कहाँ है फ्रिज? छी, तुम मुझे इस तरह ताने मत मारा करो। शादी के वक्त से मैं ये सब बातें सुन रही हूं। मुझे आज का टीवी ला के दो, आज का फ्रिज ला के दो, मुझे सब कुछ चाहिए अभी। पता नहीं ये झगड़ा कब तक चलने वाला है। नाम है मेरा भोला चक्रवर्ती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बार भूल जाता हूँ। तुम्हारे पिताजी की बोली हुई मुझे हर बात याद है। अपने आप को ब्राह्मण कहते हो? ब्राह्मण होने के बाद भी तुम्हारा गुजारा ठीक से हो नहीं पाता है,
दहेज के बारे में तुम भूले नहीं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम मेरी इज्जत के साथ खेल रही हो पार्वती, और तुम भी मेरे पिताजी की इज्जत को छल रहे हो। इज्जत नाम की चीज तुम्हारे पिताजी के पास होती तो मुझे कप का फ्रिज दे दिया होता। क्यों, तुम्हारे घर में भी तो फ्रिज है। तो फ्रिज, तुम्हारे पिताजी का पैसा मुझे चाहिए, कल का कल मुझे पैसा ला के दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता है संदीप, इनके शादी को होते होते 12 साल हो गए, फिर भी दहेज को लेके आपस में झगड़ते रहते। लालच लालच। अंकल, रीना दीदी किधर है? किचन में होगी, जाना। उनकी इकलौती बेटी है ये, इनके झगड़ों के वजह से ये भागते भागते रीना के पास आ जाती है। रीना जो है अपनी छोटी बहन जैसी मानती है। ये लो पकड़ो। लाओ। वाह नाइस। यही खाने के लिए तो मैं यहाँ आता हूँ। कभी भी आओ बेटा। क्या सोच रहे हो रीना? मुझे लगता है तुम एक डरपोक हो, बिल्कुल शरद चंद्र के नॉवेल के उस पात्र की तरह। बिल्कुल नहीं, मैं हूँ इंद्रनाथ। फिर तुम हमारे बारे में अपने पापा से बात क्यों नहीं कर लेते? अब जवाब दो। ये बात है, मैं अभी पिताजी से जाके बोल सकता हूँ कि मैं रीना से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मैं समझ गई। कुछ नहीं समझी, मुझे थोड़ी शर्म आती है। क्या आती है? शर्म, शर्म आती है। सिर्फ शर्म नहीं आती, मेरे मेरे दिल के अंदर डर का तूफान उठता है, और फिर उसमें धक 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 होने लगता है। सुनो सुनो जरा, अच्छे से सुनो जरा, सुनो ना, सुनो ना। ए, ओ, इसी बहाने पास आ रहे हो, बदमाश कहेंगे। पास कहाँ बुलाया, तुम्हें तो मैं मेरे दिल की धड़कन सुना रहा था ना। धड़कन सुना रहे थे? हाँ, ये धड़कन क्या है जानती हो? ये धड़कन प्यार की धड़कन है। नहीं, इतने दिनों के बाद पता लगा कि हमारा कॉलेज भी काबिल है। वो कैसे? तेरा दिमाग क्या सच में खराब हो गया? सच में यार, तू बेवकूफी रहेगा। अरे यार, विकास इस साल का एग्जाम्स का रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है। अरे बढ़िया, इतने दिनों के बाद अपने कॉलेज का नाम रोशन हुआ। वो तो सही बात है, 2 फर्स्ट क्लास, 30 सेकंड क्लास, और कोई भी फेल नहीं हुआ। ये हमारे कॉलेज का क्रेडिट है, क्या बोलता है? लेकिन जिन्होंने टॉप किया है वो दोनों कहाँ है? सच में यार, संदीप और रीना अभी तक आए क्यों नहीं? कांग्रेचुलेशन संदीप, इस बार हमारे कॉलेज का 2 ही फर्स्ट क्लास है, तू और रीना। और वो देखो रीना आ रही है। कांग्रेचुलेशन रीना। रीना, संदीप अंदर जाके लिस्ट देख के तो आओ। चलो रहने दो बेटी, रहने दो। रीना बेटी, आज आज तूने मेरा दिल खुशी से भर दिया बेटी। रीना बेटी, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो। नीलिमा, नीलिमा, आज 2 साल हो गए तुम्हें गए हुए, आज आज तुम्हारी बेटी रीना तुम्हारे आशीर्वाद के वजह से अपना सपना पूरा किया उसने। हाँ, वो ग्रेजुएट हुई है। ये लो खाओ, आज तुम्हारी वजह से हम लोग सब मिठाई खा रहे हैं। मुझे भी दो ना, मुझे भी दो ना। एक, हाँ, एक और ले बेटा, एक और दो, एक और। हाँ, 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 ना ठीक है, वो भी दो ना, दो अभी ना, नहीं बाद में, पहले वो खाओ। अरे अरे, मुझे नहीं चाहिए, आप एक काम कीजिए, संध्या को दे दीजिए, इसे मिठाई बहुत पसंद है। ये लो। मुझे भी, मुझे भी नहीं। नहीं दीदी, शुगर है इन्हें, बिल्कुल नहीं खाओ। उनको देखो, डायबिटीज रसगुल्ला है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। संदीप, हर साल तू ऐसे ही पास होता था भाई, और हर साल हम लोग भी ऐसे ही मिठाई खाते जाए। वाह, बहुत बढ़िया बोला तुमने। हर साल कोई बीए पास करता है क्या? हाँ, करता करता है। असल में मैं हर साल फेल होता था ना, तो तू पास क्यों नहीं होगा, तो तू हर साल ऐसे ही पास होता था। जरा संभाल के बेटा। तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम खाओ, तुम खाओ। अरे गले में अटक जाएगा।
अब क्या कर रहा है? तुम्हारे बेटे ने फर्स्ट क्लास से बीए पास किया है, अगर यहाँ फर्स्ट क्लास की बहू आ जाए तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, है? तुम्हारे दिमाग में तो एक ही बात घूमती है। क्यों नहीं घूमेगा, मैं उसका पिता हूँ। जब तक मेरा बेटा शादी नहीं कर लेता है तब तक मुझे शांति नहीं। शांति तो मुझे भी नहीं है सर, इसीलिए तो यहाँ आ गया। क्या खबर सर? वो मैं आपको वचन देकर गया था ना कि 18 साल की लड़की ढूंढ लूंगा तभी यहाँ पर आऊंगा। अरे बाबा, ये कौन है? ये मेरा भांजा। आजा आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। जय माँ काली। अरे बाप रे। पंडित जी को मिठाई खिलाओ। नहीं नहीं, बैठने दीजिए बैठने दीजिए ना, वो मिठाई की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब, पहले लड़की पसंद कर लीजिए फिर मिठाई खाऊंगा। जय माँ काली। अरे भाई आराम से आराम से। वो क्या है कि मेरे कान में शोर सा महसूस होने लगता है। हम कब जाएंगे लड़की देखने? हाँ जाएंगे जाएंगे ना, 4 अप्रैल को 4 बजे जाएंगे। मुहूर्त शुभ है ना? अरे चुप, बकवास कर रहा है। नहीं नहीं सर, दिखाओ। सर सर थोड़ा सा मुहूर्त भी देख लेना चाहिए। मैं पंचांग साथ में लेकर घूमता हूँ, इसमें सही से देख लेता हूँ कि कौन सा दिन सही रहेगा। ये खुल गया, 4 अप्रैल के 4 बजे का सही समय है सर। ये देखिए, शुभ लगन है, मुहूर्त भी सही है, लगन भी सही बैठा हुआ है, कोई नुकसान नहीं होगा, लड़की भी पसंद आएगी। अरे सुनते हो संदीप भैया, अभी तुम्हारा सगाई होगा। देखो तो, शादी की बात सुनकर शर्मा। सर नाम का चीज किसी मर्द में नहीं होना चाहिए। जय माँ काली, जय माँ काली। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। अरे तू यहाँ है? अरे सुनना मेरी बात, कल बहुत शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, तेरे बापू से बोलना मुझे देख के जाए। ख्वाब तो देखो, ये क्या है पता है ना? क्या है? पता है, झाड़ू है। इस झाड़ू से तू मेरी पिटाई करना चाहती है, चलेगा, लेकिन मेरा दिल मत तोड़ना। आहा, हाय रे तेरा दिल। तुझे पता नहीं मेरा दिल कितना बेचैन है, तेरे बारे में सोच सोच कर मुझे लूज मोशन चालू हो गया, कोई दवा भी असर नहीं कर रही है। और कभी नहीं रुकेगा, देख लूंगी देख लूंगी मैं। परसों मैं गांव जा रही हूँ, 1 महीने के बाद लौटूंगी, देखूंगी तू मुझे कितना याद करेगा। है सुन, मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा, तुझे हमेशा याद करूंगा। तू खुद नहीं जानती मैं तुझे कितना चाहता हूँ। पहले तू अपने बापू को मेरी तस्वीर दिखा, उसके बाद मुझसे मिलाना। हैं? मेरी सोने में कुछ कुछ है। पागल बुढ़ा। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। वो तो मुझे पता ही है। लो मुंह मीठा कीजिए। अभी लड़की तो देख ले। तो फिर त्रिम्बक बाबू। हाँ जी। आप अपनी बेटी को जल्दी से यहाँ बुलवा दीजिए, बस। लाता लाता। मैं अपनी बेटी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी जैसी शांत नर्म स्वभाव जैसी लड़की कहीं और नहीं मिलेगी। ये लो आ गई, और गाना भी गाती है। जय माता दी। कुछ बोला आपने? आपको बुलाया। अच्छा अच्छा, बैठ जा बैठ जा, मैं थोड़ा अंदर जाके आता हूँ, ठीक है? मुझे वो पंचांग लेकर आना है। आता हूँ। लेकर आ गए। और हाँ, वो आपके दहेज के 3 लाख रुपए और 150 कपड़े वो सब मंजूर है, ठीक है? बेटी मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ और थोड़ी मिठाई ले आता हूँ। घर में तो सब अंधेरा हो जाएगा। अरे पंडित जी, ये तो भेंगी है। इसकी नाक कैसी चपटी है। हाँ, और रंग भी कितना काला है, कैसी आदमी जैसी दिखती है। ये धीरे धीरे क्यों बोल रही है, जोर जोर से बोलिए। हाँ, क्योंकि उसे सुनाई भी नहीं देता। एक तो काली है, ऊपर से बहरी भी है। ऐसी काली लड़की के साथ मैं अपने इकलौते ग्रेजुएट बेटे की शादी करूंगी? We'll be right back.
ना ऐसे ना करो ओ गोरी, ले लो प्रेम मेरा ओ चकोरी। ना ना ऐसे ना करो ओ गोरी, ले लो प्रेम मेरा ओ चकोरी। तुझे अपना बना के ले जाऊंगा मैं, तुझे अपना बना के ले जाऊंगा मैं। मिलेगी जिस दिन नौकरी। नाना खेलो ना और छुपा छुपी, देखो पकड़ी गई तुम्हारी चोरी। नाना खेलो ना और छुपा छुपी, देखो पकड़ी गई तुम्हारी चोरी। जानू कहाँ कहाँ क्या क्या तूने कहा, जानू कहाँ कहाँ क्या क्या तूने कहा, कैसी जोरा जोरी। हाय नाना ऐसे ना करो गोरी, नाना खेलो ना छुपा छुपी। तुम्हारी बहू होने में है बाधा, नाना तुम ही हो मेरी राधा। मैं जल्दी नहीं प्रेमगन में, तुम आओगी दौड़ी बंसी सुन के। तुम्हारी बहू होने में है बाधा, नाना तुम ही हो मेरी राधा। मैं जल्दी नहीं प्रेमगन में, तुम आओगी दौड़ी बंसी सुन के। क्यों बातों के जाल में फंसाती मुझे, क्यों बातों के जाल में फंसाती मुझे, तुम्हारे पाँव पड़ू। नाना ऐसे ना करो गोरी, नाना खिलो ना और छुपा छुपी। तुम्हारे तेवर पे लोग क्या कहेंगे, देखो सरसों का फूल रे छोरे। खिलेगा प्यारा फूल अंगना में मेरे, पहले नौकरी करो जरा जमके। अरे 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 तुम्हारे तेवर पे लोग क्या कहेंगे, देखो सरसों का फूल रे छोरे। खिलेगा प्यारा फूल अंगना में मेरे, पहले नौकरी करो जरा जमके। कर सकता हूँ क्या जरा देखो मुझे, कर सकता हूँ क्या जरा देखो मुझे। नहीं पहनी कांच की चूड़ी, हे हे नाना ऐसे ना करो गोरी, ले लो प्रेम मेरा ओ चकोरी। नाना ऐसे ना करो गोरी, ले लो प्रेम मेरा ओ चकोरी। तुझे अपना बना के ले जाऊंगा मैं, तुझे अपना बना के ले जाऊंगा मैं। मिलेगी जिस दिन नौकरी। तुम खेलो ना और छुपा छुपी, नाना ऐसे ना करो गोरी। तुम खेलो ना और छुपा छुपी, नाना ऐसे ना करो गोरी। तुम खेलो ना और छुपा छुपी, नाना ऐसे ना करो ओ गोरी। वॉचमैन जी, ओ वॉचमैन जी। कौन? यहाँ पे कोई नौकरी मिलेगी? नहीं, यहाँ पे कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलता, जाओ। यहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिलती, सिर्फ बकरी मिलती है। क्या? हाँ नहीं नहीं, आप सो जाइए, सो जाइए, आराम से सो जाइए, सो जाइए। दिस इज ट्रू, इन्फॉर्म यू दैट। ए छोरे, मेरी पीठ खुजला देगी? सर मैं तो आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। इसीलिए तो मैंने तुमको ही बोला। इतना एडुकेशन किया मैंने आपके पीठ खुजाने के लिए? मैं आज रिजाइन करती हूँ।
नौकरी छोड़ देगी? हाँ, ये नौकरी आपको मुबारक। क्यों? क्योंकि मैं कमीन सर। क्या मांगता है आपको, क्या चाहिए? आपके इतने बड़ी कंपनी में मेरे लिए कोई नौकरी हो तो। नौकरी? अभी तक तो कोई पोस्ट खाली नहीं है, लेकिन अभी खाली हो जाएगा। लेकिन वो पोस्ट तो जेंट्स के लिए नहीं है, वो पोस्ट तो लेडी लोग के लिए है। क्यों भाई, नौकरी का बंदोबस्त हुआ? हाँ, एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे भी 50 रुपये दे। 50 रुपये? मेरे पास 30 रुपये है। सिर्फ 30? आज बस इतना ही है। ओ अच्छा, तू अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ लिया करना? नहीं ले सकता। ओ चलो 30 रुपये दो। 30 रुपयों का क्या करेंगे? सवाल मत पूछ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मांग रहा हूं ना, दो। ये ले। एक पैक का बंदोबस्त हुआ। आपकी क्वालिफिकेशन? BA फर्स्ट क्लास। टाइपिंग आती है? नहीं। शॉर्ट हैंड? नहीं। कंप्यूटर? नहीं। सेल्स के काम में कोई पास्ट एक्सपीरियंस है? नहीं, लेकिन आप लोग जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। जो बोलेंगे वो करोगे? जी जी सर। गाड़ी? घर? छोकरी? ये तीनों हमें बहुत पसंद है, दोगे? सॉरी। तो फिर हमें भी माफ कीजिए। आपका जो क्वालिफिकेशन है, इससे आपको स्कूल में इंग्लिश टीचर का पोस्ट दिया जा सकता है। सो काइंड ऑफ यू सर। बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन वो तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। लेकिन एक शर्त है हमारी। क्या सर? आप तो समझ गए होंगे कि हमारा स्कूल गरीबी की हालत से गुजर रहा है, आपको डोनेशन देना होगा। ज्यादा नहीं है, 2 लाख रुपए से काम हो जाएगा। डोनेशन नहीं दूं तो नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल चाहिए। बेसिक ट्रेनिंग नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन डोनेशन चाहिए, यही ना? हाँ। भाई साहब, मैं वजन देखूं? आओ देखो। हाँ ठीक है, उतर जाओ। 58 किलो। ये क्या, वजन कम कैसे हो गया? 1 महीने पहले तो वजन किया था। कितना घटाया? तकरीबन 5। नौकरी ढूंढ रहे हो? फिर ठीक है, हर 2 महीने में 5-5 किलो कम हो जाता है। कुछ दिन के बाद आप कहीं नजर ही नहीं आओगे। अरे संदीप बाबू, क्या बात है? पढ़े लिखे बेकार आदमी का क्या चलेगा, बस नौकरी ढूंढ रहा हूं। अच्छा, पैर के जूते अभी भी पैर में है ना? थोड़े दिन नौकरी ढूंढते ढूंढते जूते की सोल भी गिर जाएगी, उसके बाद नंगे पैर ही चलना होगा। नंगे पैर चलना होगा? हाँ चल लूंगा। बेचारा। जब दिल ही टूट गया, अब जी के क्या करेंगे? जय कौन है? तुमने मुझे नींद से जगा दिया। सुंदर सपना देख रहा था, तोड़ दिया। इस भरी दोपहर में सोएगा तो तेरा ये फिगर भी बिगड़ जाएगा। फिगर की बात करके मुझे और कष्ट मत दो भैया जी। एकदम पहलवानों जैसा सेहत था मेरा, सलमान खान जैसा सेहत था मेरा। अरे प्यार के चक्कर में पड़ के मैं सिकुड़ के कांटा हो गया, सूख गया हूँ बिल्कुल। फिगर भी गया, तू भी गया।
जब से तेरे गले में ये औरत का साड़ी पास आ रहा है। अरे औरतों के कपड़ों की खुशबू सुनकर छींची क्यों कर रहे हो? छींची मत करो, इसका कारण है। यही साड़ी लपेटकर मैं भगवान से प्रार्थना करके ये कह रहा हूँ कि भगवान मेरे प्यार को लौटा दो, मेरा काम आधा कर दो भगवान, उसको जल्दी से लौटा दो। तेरी तरफ से, जय माता दी, तेरी तरफ से मैं इस बार मानता रखूंगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। देखना तेरी चाहने वाली थोड़े ही दिन में तेरी तरफ खींची हुई चली आएगी। तेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, तू सलमान खान बन जाएगा, क्योंकि माताजी से मेरी साक्षात बात होती है। तुम तो लाजवाब हो। जय मां काली। नौकरी तो मैं तुझे एक हफ्ते में दिलवा सकता हूँ, एक प्राइवेट फार्म में, पियून का जॉब है। हाँ करूंगा करूंगा, वही चाय ला के देना, फाइल ला के देना, पानी देना, वो सब कर लूंगा, बस ये नौकरी दिला दो ना। लेकिन तुझे प्यून के पोस्ट में ज्यादा नहीं रहना नहीं होगा, थोड़े ही दिनों में तू क्लर्क बन जाएगा। फाइन। जानना होगा कानून। ओ कानून मतलब लॉ। लॉ तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन नौकरी मिलेगी तो पढ़ लूंगा। अरे नहीं नहीं, ये वो कानून नहीं है, ये है नौकरी का कानून। ओ सर्विस रूल। अरे नहीं वो सब नहीं, अरे ये है वो कानून जिसे जाने बिना नौकरी नहीं होगी। समझ गया, क्या है बोलो। बोलता मतलब तुझे तो पता है हमारा पार्टी है जनता का पार्टी, इसलिए तुझे नौकरी के लिए हमारे फंड में यही कोई 1,00,000 रुपया डोनेशन देना होगा। 1,00,000 रुपये, वाह क्या कमाल का कानून है। ये कानून भी क्या जनता की खातिर है? बकवास मत कर, देगा कि नहीं बोल। नहीं। तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। जानती हो माँ, एक से एक इंटरव्यू दे रहा हूँ लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। चिंता मत करो, मिल जाएगी। नहीं होगा माँ, नहीं होगा। अभी नौकरी पाने के लिए तगड़ी बैकिंग और फाइनेंस की जरूरत है। बैकिंग मतलब? माँ पैसा, पैसा, पैसे का नया नाम है फाइनेंस। ओ पैसा, घूस, डोनेशन। एक प्यून की नौकरी के लिए पार्टी फंड में 1,00,000 रुपए डोनेशन मांग रहे हैं। 1,00,000 रुपए देकर तुम्हें नौकरी पाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो सो रहे थे, हमारी बातें कैसे सुन ली? जग जग के सो रहा था। सुनो मैं तुम्हें राजनीति में उतार दूंगा। उफ, तुम्हारे दिमाग का भी जवाब नहीं, राजनीति में जाके उसका क्या भला होगा? वो नौकरी करके अपना जीवन चलाना चाह रहा है और तुम उसे? खुद का भला करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है राजनीति। एक पॉलिटिशियन के महीने की कमाई IAS ऑफिसर से भी ज्यादा है। सुनो मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा राजनेता है, मैंने उसको बोल के रखा है मैं कल ही तुम्हें उसके पास लेकर चलूंगा। आओ अंदर आओ, आ जाओ, ये उसका ही घर है। वो जो बैठा ना, वो उसका सेक्रेटरी है, कम सुनता है। आ जाओ। हाँ चलिए। क्यों भाई ठीक हो? कौन, ये कौन है? मैंने क्या कहा सुना तुमने? ठीक हो? कौन मरा, कौन मर गया? अरे कोई नहीं मरा, मैंने कहा ठीक हो? ओ ठीक हो है? थोड़ी उम्र हो गई है, बाकी सब ठीक है। है चाचा आप ठीक हो? हाँ बस चल रहा है। तो ये कौन है? ये मेरा बेटा है। नंबर एक नंबर। हाँ ये पूछ रहा हूँ मेरा दोस्त कहाँ है? मर गया? कौन मर गया? अरे क्या बोलूं? जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए। कोई नहीं मरा, मैं पूछ रहा हूँ मेरा दोस्त अंदर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? सिंधु, सिंधु सभ्यता के बारे में मैं क्या बताऊँ? अब समझे, अब उसके बारे में छोड़ दो, सिंधु सभ्यता अब तो खत्म हो चुका है।
उसके बारे में क्या कहना? अरे फालतू की बकवास मत करो, मैं पूछ रहा हूँ मेरा दोस्त अंदर क्या कर रहा है। टोस्ट? कैसा टोस्ट? अरे बहरे, दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। टोस्ट? हाँ, आज सुबह मैं चाय के साथ दो टोस्ट खा गया। टोस्ट नहीं, दोस्त। इतने चिल्लाते क्यों? क्या मैं बहरा हूँ? कान ही फूट गए मेरे। यहाँ था, अब कहाँ गया? आपका दोस्त ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ मेरा दोस्त सो रहा है या जाग रहा है? बम गिरी है? तो बम गिरी है। कल वो कश्मीर में पूरी रात बमबारी हुई, पता है? ये देखो, यो न्यूज़पेपर देखो। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ मेरा दोस्त प्रकाश सोया है कि जाग रहा है? आकाश के बारे में मत पूछना, बारिश का कोई चांस नहीं है, इसलिए तो सब्जी इतनी महंगी हो गई है। चावल का दाम बढ़ गया है, गेहूं का दाम बढ़ गया है। क्या करूं? भागूं? ए, मैं क्यों भागूं? ए, हम लोग अंदर जा रहे हैं, चलो। हट तेरी तो। आजा प्रकाश। सोए हुए आदमी का पैर नहीं छूते क्योंकि वो आखिरी प्रणाम हो सकता है। अभी छूओ। प्रकाश, ये मेरा बेटा, छोड़ के जा रहा हूँ। ये तुम्हारा बकरा है, कैसे काटना है, कब काटना है, कहाँ काटना है, जहाँ दिल करे काट ले। मैं काटूंगा नहीं, तैयार करूंगा। मैं इतना तेज कर दूंगा जिससे मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ जाए। तो फिर प्रकाश, हाँ? मैं यहाँ से अब फुटू? क्या मतलब? कटू? फुटू? आ जाओ। फुटू? फुटू? तुम बैठो। ये क्या है? छुरी का क्या करें? इसके आर पार कर दो। अरे उसको तरबूज को उसको ये ठीक है ना? अरे उसको घुसा दूं? ये बात, शाबाश। अरे शाबाश, तुम्हारा ताकत देख लिया। हाँ, राजनीति में बहुत जरूरी है। ये क्या है? राजनीति में कभी अंधेरा करना होगा और कभी लाना होगा उजाला। राजनीति का मतलब है उजाला अंधेरे का खेल। आज से तुम मेरा चेला हो संदी त्रिवेणी कुमार। रास्ते का कांटा है मेरा ऑपोजिटर। मेरे कांटे को तुम अगर हटा सकते हो तो फिर मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा काम होगा त्रिवेणी कुमार के साथ दोस्ती करना और उसके सारे सक्सेस का राज जानना। और तुम मुझे हर मोमेंट का खबर दोगे, चाहे उसके लिए तुम्हें कोई भी पैतरा इस्तेमाल करना पड़े। उसको मेरे रास्ते से हटाना होगा। संदीप, बोलो तुम ये काम करोगे ना? संदीप, वादा करो मुझसे, वादा करो।
करो करो, तुम्हारा काम होगा त्रिवेणी कुमार को फॉलो करना। हट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों? मुझे नौकरी मिली और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? कैसे अच्छा लगेगा? जहां हम एक दूसरे को बिना देखे एक पल नहीं रह सकते थे, वहां तुम इतनी दूर चले जाओगे? क्या करूं बताओ, नौकरी की शर्त ही यही है। पर तुम कहां जा रहे हो, कैसी नौकरी है, तुमने तो कुछ भी नहीं बताया संदीप। देखो, तुम्हें छोड़ के जाते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ इसलिए उठा रहा हूं कि आगे चल के तुम्हें पा सकूं। तुम मुझे रोज खत लिखना। लिखूंगा। एक नहीं, जितने दिन वहां रहोगे रोज एक खत लिखना, समझे? लिखूंगा, रोज एक चिट्ठी लिखूंगा। अच्छा संदीप, अगर ऐसा हुआ वहां जाकर, अगर तुम मुझे भूल गए राजा दुष्यंत की तरह, इस शकुंतला को तुम पहचान ना पाओ तो मैं समझ लूंगा कि धरती पे प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं। प्यार मोहब्बत झूठ है, सच नहीं। अब तो हंस दो, हंसो, स्माइल, प्लीज स्माइल, 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 स्माइल। यही तो है त्रिवेणी कुमार का घर। यहाँ पे तकाचकी क्या कर रहे हो? आप कौन है? मेरा नाम सांड है। मेरा काम भी सांड के जैसा ही है। मैं भोलेनाथ का सांड हूँ। मैडम, आपसे मिलने की लगता कोई आया है, लेकिन हमने इसे कभी देखा नहीं है। क्या चाहिए, कौन हो आप? मैं सांड। आप सांड हो? नहीं, मतलब ये सांड। सांड मतलब? अरे ये तो हमारा पहरेदार है। पहरेदार? अरे वॉचमैन, समझे? मगर आप क्यों यहाँ आए हो? मैं तो मिलने के लिए आया था। मिलने के लिए? किससे? इस घर के मालिक, बहुत बड़े राजनेता त्रिवेणी कुमार से। त्रिवेणी कुमार से मिलने आए हो आप? आप त्रिवेणी कुमार को जानते हो? नहीं, मतलब आज ही मैं उनसे पहली बार मिलूंगा। मैं त्रिवेणी कुमार का पॉलिटिकल एडवाइजर हूँ। मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। ओह, ये तो मेरा सौभाग्य है। कृपा करके अगर आप मुझे उनसे मिला देंगे तो। मैं त्रिवेणी कुमार। आप हैं? आप हैं? अच्छा सुनिए भैया। हाँ जी। आज शाम की मीटिंग आप पोस्टपोन कर दीजिए। अच्छा। और गणेश? बोलिए मैडम। घर लौटने के वक्त अपने बीवी के लिए दवाइयाँ खरीद लेना। ठीक है मैडम, नमस्कार। आइए बैठिए ना। बोलिए, क्यों आए हैं आप मेरे पास? क्यों आया हूँ, मतलब मैं आपके पास कोई नौकरी होगी? नौकरी? मतलब मैं वो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हूँ। सुना है आपकी बड़ी पहुँच है, अगर आप। हाँ बोलिए। अगर आप एक नौकरी मुझे दिला दें। दे दूंगी, लेकिन आपको यही रहना पड़ेगा, मंजूर है? हाँ, रहूंगा रहूंगा। बहुत दिन रहना होगा। हाँ, आप जितने दिन बोलेंगी उतने दिन रहूंगा। जितने दिन? हाँ हाँ हाँ। अगर मैं कहूँ सारी? हाँ, जिंदगी तो। हाँ, रहूंगा रहूंगा। अब नौकरी तो इसी घर में है ना? हाँ, इसी घर में, मेरे पास 2400 घंटे है, मंजूर? असल में मैं जानता नहीं था कि आप एक लेडी हैं। वैसे आपका नाम सुन के मुझे लगा आप कोई मर्द हैं। हाँ समझ गई, इस कुमार सर नेम ने आपको दुविधा में डाल दिया होगा, है ना? हाँ, हाँ।
दरअसल कुमार मेरे नाम पे गहना है, मेरा सरनेम। आपका नाम क्या है? संदीप बैनर्जी। बैनर्जी जैसे आपका सरनेम है, वैसे ही कुमार मेरा सरनेम। मेरा नाम त्रिवेणी है। देख नहीं रहे? तीन चोटी एक ही साथ, गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों ही तो महिलाओं का नाम है, और मैं भी महिला हूँ, और ऊपर से कुंवारी। ओ, क्या आप शादीशुदा हैं? अब नहीं, नौकरी नहीं है इसलिए शादी नहीं की। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के। ये क्या, मैंने तो आपको तुम कह दिया। बेटा अच्छे से पास हो गया, नौकरी मिल गई है, अब सोचती हूँ उसका घर बस जाए। सच भाभी, एक बहू के बिना ये घर बिल्कुल सूना लगता है। देखो ना ननद जी, मैंने अपनी बहू के लिए ये नेकलेस बनवाया है। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ जरा। हाँ, बहुत सुंदर है ये। कितने तोले का होगा? ज्यादा नहीं, 7 तोले का है। दीदी गैस पर दूध चढ़ा होगा, अभी मैं देख के आती हूँ। जय माँ काली। ये देख। दिखाओ दिखाओ माँ। देखा, गैस तो बंद है और दूध चढ़ा हुआ है और ढका भी नहीं है। सच में कैसे काम करते हैं ये लोग। कितना वजनदार है, 7 तोला। 7 तोला बाबा। ननद जी, ओ कहाँ गई वो नेकलेस? कहाँ गया? मामी, अब ये साधना यहाँ समाप्त हुआ, अब हम जा रहे हैं। आपका पलटू। आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा। यहाँ पे सब कुछ अपना सा तो लग रहा है ना? हमारा ये घर, तुम्हारा वो कमरा, तुम्हारे कमरे के बाहर जो साउथ फेसिंग बालकनी है, सब अच्छा है ना? हाँ, सब मुझे पसंद आया। और मैं? मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? आप भी बहुत अच्छी हैं। क्या हुआ? बाबा दिखाओ बेटी, क्या हुआ है? ओहो, ज्यादा खून बह रहा है। अच्छा, काम करते वक्त ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? आजकल मेरी बात ही नहीं सुनती। एक मिनट लेकर आ। अरे मैं कर देता ये काम, बस हो गया बेटी, डेटॉल लगा रहा हूँ, तुम वहीं रुक जा, मेरी एक भी बात नहीं मानती, एक भी नहीं बात मानती मेरी। लाओ दिखाओ जरा, पकड़ो इसे। क्या सोच रहे हो घर के बारे में? हाँ, इससे पहले मैं कभी घर से बाहर रहा नहीं। मैंने कहा है ना, घर के बारे में सोचना बंद करो, सिर्फ यहाँ के बारे में सोचो, मेरे बारे में। उसको मेरे रास्ते से हटाना होगा संदीप। बोलो बोलो, तुम ये काम करोगे ना संदीप? वादा करो मुझसे, वादा करो। अच्छा, ये बात याद रखना। नहीं माँ जी, आप ये बिल्कुल सोचिएगा नहीं, आपका बेटा बहुत खुश है। केष्टो, कितने दिन हो गए बेटा घर नहीं लौटा, कहाँ रहता है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है? संदीप, संदीप खाना लग गया है, आ जाओ जल्दी से। हाँ आ रहा हूँ, एक तो बंगाली ऊपर से ब्राह्मण, हाथ बिना धोए तो खाना खा ही नहीं सकता। लो शुरू करो। बढ़िया, और लो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। अरे ना, खा लो, शर्माओ मत। अच्छा, आपका इतना बड़ा घर है, कोई नौकर वोकर क्यों नहीं रखा? थी एक, नौकर नहीं, नौकरानी थी। अब वो कहाँ है?
कुछ ही महीने पहले चोरी करके यहाँ से भाग गई वो। ओ, मतलब इतने बड़े घर में आप अकेली हैं? अकेली कहाँ, और कौन है? तुम जो हो। अरे हाँ, मैं तो हूँ, लेकिन घर के काम के लिए कोई चाहिए ना? ढूंढ तो रही हूँ, कहाँ मिल रही है? हाँ, अभी जो आपने मुझे बताया उससे किसी पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। भरोसा करने के अलावा कोई चारा है? अब किसके मन में क्या है ये पहले से कैसे पता चल सकता है? क्या हुआ, खाओ ना। और ए, कौन, क्या चाहिए? नमस्ते गुरु भान जी। गुरु भान नहीं, मेरा नाम त्रिभुवन। त्रिभुवन जी, मैं आ गया। वो तो देख ही रहा हूँ, लेकिन हो कौन? ये क्या, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैं शिव बनर्जी का भांजा। उस दिन मैं आपके घर आया था आपकी बेटी को देखने। ओ हाँ, याद आया। लेकिन वो लोगों को मेरी बेटी पसंद नहीं आई। नहीं नहीं, वो लोगों को पसंद नहीं आया उसमें क्या है, मुझे तो पसंद आया। आप मतलब? मैं उससे शादी करूंगा। आपके पास 3 लाख रुपए रेडी है ना? 3 लाख? बोलना क्या चाहते हो? ये देखो, सहरा और माला। वो देखो आपका बेटी। मेरा बीवी। और आपका पेशा? साधना। साधना? तांत्रिक साधना। मतलब आप तांत्रिक हो? हाँ, शमशान में रहता हूँ मैं, गांजा भांग सब खाता हूँ। दामाद के हिसाब से मैं परफेक्ट हूँ। मैं स्वयं महेश्वर का शागिर्द हूँ। महेश्वर के आप क्या लगते हो? शागिर्द, शागिर्द। समझ गया, अभी जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आप बीच में बताइए। कुछ भी मैं बोलिए, मैं आपकी बेटी को लेकर जाऊंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो इनकी बातों में बता, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करूंगा। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शादी करूंगा। मेरे माँ बाप नहीं है, जब मैं छोटी थी तब दोनों कार एक्सीडेंट में दोनों गुजर गए। Very sad. और ये जो है, ये मेरे मामा हैं। इन्होंने ही मुझे पालपोस के बड़ा किया। पता नहीं मैं कितनी काबिल इंसान बन पाई हूँ, लेकिन यही मेरे लिए माँ पापा सब कुछ है। इतने सालों से मेरी प्रॉपर्टी को मामा ही संभाल रहे थे। तो आपका राजनीति में आने का कारण मामा है? हाँ, वो भी मामा जी के हाथ। मामा जी पहले स्वातंत्र सैनिक थे। मामा जी की उंगली थाम के ही मैंने राजनीति की शुरुआत की। तो अब आपके मामा कहाँ हैं? मामा अब हैदराबाद में हैं। उनका एक कंप्यूटर फार्म है। आजकल सिर्फ चिट्ठी और फोन के जरिए ही उनसे कांटेक्ट बना रहता है। क्या आज 10 तारीख है? हाँ, अक्टूबर 10। ओह माय गॉड, हर महीने के 10 तारीख को मैं मामा को फोन करती हूँ। मैं बस अभी उनसे बात करके आई। हाँ, आउच। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था सर, आपका फोन कोलकाता से। अच्छा, दो। मेरी बेटी। हाँ बोल। आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। सुनिए, आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ वक्त पे ले रहे हैं ना? जरा भी लापरवाही मत करना। अरे मुझे लेके इतना टेंशन में मत रहा कर तू। तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। रखू, ओके बाय। अच्छा। जहां तक बोला था उसके आगे से स्टार्ट करो। सर, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ, पूछ सकते हो। जब भी कोलकाता से फोन आता है आप एकदम उत्साहित हो जाते हैं। ये बात सच है। लेकिन वो तो आपकी सगी बेटी नहीं है, बहन की बेटी है। इसका मतलब भांजी है ना? वो मेरी सगी बेटी से कहीं कहीं ज्यादा है। अच्छा सुनिए, हर एक जिले में हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सबको सक्रिय होना पड़ेगा। समझ गए ना? हाँ। ठीक है गणेश। कहिए मैम। मैं जहाँ जहाँ मीटिंग करने जाऊंगी तुम हर जगह मेरे साथ आओगे, समझे? ठीक है मैडम, ठीक है।
सबको अपना अपना काम समझ आ गया। समझ गए, ठीक है, सब जाइए, आज की मीटिंग यही समाप्त। लो छोले खा लो। आपने मुझे खिला खिला के एक ही महीने में मोटा कर दिया। ज्यादा बातें मत करो संदीप, चलो खा लो। खाओ खाओ। वाह रे तोते वाह, तू भी पिंजरे में बंद होके छोले खा रहा है। मैं भी पिंजरे में बंद होके छोले खा रहा हूँ। वाह क्यों रे, संदीप आजकल है किधर पता नहीं, एक महीना हो चुका है कोई खबर नहीं। मैं भी वही सोच रही हूँ पिताजी। हाँ वो बोलकर गया था कि वो कहीं बाहर काम से जा रहा है, उसके बाद उसका कोई पता ही नहीं। उसने कहा था उसे कहीं नौकरी मिल गई है। अच्छा तुम्हें तो बोलकर जाना चाहिए। मैंने पूछा था, उसने कहा लौटकर सब बताऊंगा। कुछ भी हो तुम्हें तो बताना चाहिए था, एक खत तो लिख सकता था। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा पिताजी। रीना तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन त्रिवेणी की नजर से बच के तुम्हें चिट्ठी नहीं लिख पाया। लेकिन रात को दरवाजा बंद करके तुम्हें आज तक जितनी चिट्ठियां लिखी हैं वो सब त्रिवेणी की नजर से बच के पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा ही नहीं पाया। लिखा और दूसरे दिन फाड़ भी दिया। पता नहीं ये चिट्ठी तुम तक पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। ये चिट्ठी दिन के उजाले में लिख रहा हूं। त्रिवेणी आधे घंटे के लिए एक सेमिनार में गई है और मुझ पर नजर रखने के लिए उसके कुछ खास लोग हैं, लेकिन ये चिट्ठी मैं तुम्हें भेजूंगा। हाय संदीप। इतना जल्दी हो गया सेमिनार? सेमिनार कैंसिल हो गया। तुम क्या कर रहे थे, चिट्ठी लिख रहे थे क्या? कहाँ? घर पे? मतलब कहाँ है ना, घर से कोई ताल्लुकात मत रखना, मेरे साथ हमेशा रहना, यही तुम्हारा काम है। आज तुम्हारे काम को एक महीना पूरा हुआ है, अब बताओ सैलरी कितनी चाहिए? आपने तो बोला था मुझे कि 3 महीने ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप जो भी मुझे दे दें। देना तो मैं चाहती हूँ लेकिन तुम्हें लेना नहीं चाहते। क्या कह रही हैं आप? सही तो बोल रही हूँ, अभी भी तुम मुझे पराया समझते हो। तुम कह के क्यों नहीं पुकारते? आप गलती कर रही है त्रिवेणी जी, गलती को गले मत लगाइए। मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैंने बहुत सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, शायद आज तुम्हें कोई नहीं जानता लेकिन मैं जानती हूँ एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे संदीप। मैं तुमसे प्यार करती हूँ संदीप। त्रिवेणी तुम्हें पता नहीं है संदीप, रोज रात को मैं अपने कमरे का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रखती हूँ और सोचती हूँ तुम किस पल अंदर आओगे और फिर सोचते सोचते आँख लग जाती हूँ। हट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों? मुझे नौकरी मिली और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? कैसे अच्छा लगेगा, जहाँ हम एक दूसरे को बिना देखे एक पल नहीं रह सकते थे वहाँ तुम इतनी दूर चले जाओगे। क्या करूँ बताओ, नौकरी की शर्त ही यही है। पर तुम कहाँ जा रहे हो, कैसी नौकरी है, तुमने तो कुछ भी नहीं बताया संदीप। देखो तुम्हें छोड़ के जाते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ इसलिए उठा रहा हूँ कि आगे चल के तुम्हें पा सकूं। तुम मुझे रोज खत लिखना। लिखूंगा। एक नहीं जितने दिन वहां रहोगे रोज एक खत लिखना, समझे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ संदीप। त्रिवेणी तुम्हें पता नहीं है संदीप, रोज रात को मैं अपने कमरे का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रखती हूँ और सोचती हूँ तुम किस पल अंदर आओगे
और फिर सोचते सोचते आंख लग जाती। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। प्रकाश सर, आपके रास्ते का कांटा आज हटा दें, आपकी राजनीति में कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा। नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूं? नौकरी पाने की लालच में मैं एक खूनी बन रहा हूं, मैं एक खूनी बन रहा हूं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाए ना? आप यहां? हाँ, यही हूं। तो फिर यहाँ पर ये मेरा भूत है। ये देखो, मैं तुम्हारा इरादा कब का समझ गई। तुम तो अच्छे इंसान हो, क्यों ये काम करने आए हो? बोलो क्यों? प्रकाश सर ने नौकरी दी, उसकी मुझे बहुत जरूरत है। इसका मतलब ये घटिया काम? यकीन कीजिए, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता था। वो काम तो तुमसे होगा नहीं। एक महीने से मैं तुम्हें बहुत करीब से देख रही हूँ। इस घर में मुझ जैसी लड़की को अकेला पाके भी तुम कभी एक पल के लिए भी बहके नहीं। मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं तुम्हें जाने दूंगी तो ना। जानते हो संदीप, मुझे तुम्हारे चेहरे में मेरा भविष्य दिखता है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी संदीप, कभी भी जाने नहीं दूंगी। प्लीज, कभी नहीं। प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। जाने दूंगी तब ना।
खुद को है खोना, जिंदगी जीना है आज रात भर, प्यासी जवानी में उठेगी ये लहर, जिंदगी जीना है आज रात भर, प्यासी जवानी में उठेगी ये लहर, आज मेरी प्यास बुझा। त्रिवेणी प्लीज अपने आप को संभालिए, आप सुंदर हैं, होशियार हैं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, हार मांस का बना हुआ एक इंसान। छोड़ सकती हूँ लेकिन एक शर्त पर, कल हम दोनों एक साथ घूमने जाएंगे, क्यों है मंजूर? फुल मां को चढ़ा दो। भगवान को मन की बात बता दे बेटी, सारे मनोकामना तुम्हारी पूरी हो जाएगी। प्रभु क्यों मुझे इतना तकलीफ दे रहे हो? संदीप कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसे एक बार मुझसे मिला दो प्रभु, एक बार मेरे पास भेज दो। पिताजी, संदीप है ना? हाँ वही तो है। चलो उस तरफ, जल्दी आओ जल्दी। संदीप, क्या हुआ? हाथ जोड़ो ना। संदीप मैं कैसी दिख रही हूँ? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। भगवान से मेरी बस यही प्रार्थना है। भगवान कल्याणकारी हैं, वो जो कुछ करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। बेटी रोना मत, बेटी रोना मत, बेटी मत रो, बेटी रो के क्या फायदा बेटी, जो होना तो वो हो गया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता संदीप तुम्हारे साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकता है। ओह भगवान, वो तो मुझसे कह ही सकता था। रीना मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बस तुमसे प्यार का नाटक करते आया हूँ, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा, शांत हो जा। क्यों नौकरी का झूठा बहाना करके वो मुझसे दूर चला गया? क्यों?
पिताजी क्यों क्यों पिताजी क्यों क्यों। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ संदीप, मेरी ये जायदाद ही प्रॉपर्टी सब सब तुम्हारी तो है, तुम सिर्फ मुझसे शादी कर लो। किसी चीज के बदले में मैं रीना को नहीं भूल सकता। रीना? कौन रीना? मेरी गर्लफ्रेंड, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। लेकिन ये सच है। तो फिर ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की लेकिन आप सुनती ही नहीं है। हाँ तो सुन लो, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। नौकरी की लालच में आके मैं एक गलत काम करने जा रहा था, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतने दिनों से आपने जो मेरी खातिरदारी की है उसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। इसलिए सच्चे दोस्त के हिसाब से आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगा। दिलदार बन रहे हो, ये मत भूलो, दिलदार तो मैं भी बन सकती हूँ। तुम्हें नौकरी की बहुत जरूरत है ना संदीप? हाँ, मतलब नौकरी की मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख के देती हूँ, उसे लेके चले जाओ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। आपका आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसे भूलना भी मत, सिर्फ इतना याद रखना मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ सकती संदीप। मैं जानती हूँ नौकरी के बिना मर्द अपने आप को नाकारा महसूस करते हैं, बस एक बार तुम्हें नौकरी लगने दो, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। रीना को भी भूल जाओगे, तुम फिर से मेरे पास लौट आओगे संदीप। त्रिवेणी जी की चिट्ठी है, आपका काम हो जाएगा, आज से ही आप काम शुरू कर दीजिए। राम प्यारी जी, मैनेजर साहब, तुम इनको अच्छे से खिला पिला दो, उसके बाद 4 नंबर का भालू का पिंजरा जो बहुत दिन से खाली है उसमें इनको डाल दो। भालू का पिंजरा? हाँ हाँ, भालू तो बहुत दिन पहले मर गया ना, उस पिंजरे में आप नकली भालू बन के रहना। लेकिन वो पिंजरा अभी भी गंदा पड़ा है। ऐसा क्यों, इतने दिन हो गए साफ नहीं हुआ क्या? आज ही साफ करा देता हूँ, कल वो जा सकते हैं। हाँ, मगर तुम्हारी सफाई के चक्कर में बाबू का एक दिन खराब तो नहीं कर सकते ना। त्रिवेणी जी की चिट्ठी लेके आए हैं, तुम एक काम करो, वो 2 नंबर में जो शेर का पिंजरा है वहाँ बाबू को एक दिन रखो, अच्छे से कुछ खाने पीने दो। जी समझ गए? जी साहब, एक दो दिन वो शेर के पिंजरे में रहने दो, वहाँ भालू बन के रहे। हाँ। कल से उनका जगह वो 4 नंबर पिंजरा हो गया। हाँ। चलो चलो सर, चलो सर, जाइए जाइए। तुम तो काफी अच्छे घर के लड़के हो। क्यों भाई, लो शुरू तो करो। अब ये इतना सारा? हाँ, सुबह उठ के नाश्ता चाय ये सब मेनू, 5,000 रुपए सैलरी, और क्या चाहिए तुम्हें बोलो। आप यहाँ पे काफी दिनों से हैं? वो 2-3 साल हो गया। तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये नौकरी लॉटरी में लगी है क्या? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। तो मैं एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं शेर बन के पिंजरे में घूम रहा था, तब मैंने देखा एक बुढ़ा बीवी बच्चों के साथ चिड़ियाघर में घूमने के लिए आया। मैं तो पहचान गया था, लेकिन अनजान बन के मैं तो पिंजरे में घूमता रहा। वो आदमी मुझे स्कीम दे के बहुत साल पहले बहुत सारा पैसा लूट लिया था। मैंने तय किया इस बार शेर बनके उसके ऊपर झपट पड़ूं। समझा, ऐसा लग रहा था कि वो आदमी मुझे देख रहा है, मैं भी उसे देख रहा था। मैं समझा अब झपट पड़ूं और झपट पड़ा। तुम क्यों डर रहे हो? नहीं नहीं, डर किस बात का है? तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आप बहुत मजा किया है। खाओ, शुरू करो, खाओ पियो ऐश करो। बेटी ये लो पकड़ो, लो ना।
ये क्या हाथ में रखे हो, खोलोगी नहीं? खोलो खोलो। वाह बहुत सुंदर है पिताजी। पसंद आया तुम्हें? कल ये साड़ी पहन के तुम मेरे साथ घूमने जाओगी, ठीक है? घर में कोई खाना नहीं बनेगा, बाहर खाएंगे। लेकिन ये सब क्यों पिताजी? ये क्या, तुम भूल गए कल तुम्हारा बर्थडे है? मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। सुनो, मुझे नौकरी मिलेगी ना तो एक बढ़िया सी साड़ी तुम्हें गिफ्ट करूंगा। ऐसा? हाँ, और वो साड़ी पहन के तुम सारा दिन मेरे साथ घूमोगी, हम लोग बहुत मजे करेंगे। नो खाना पीना। नो खाना पीना? नो खाना पीना। फिर क्या खाएंगे? हवा? हम लोग खाएंगे फिश फ्राई, कटलेट, डोसा, पानी पूरी, भेल पूरी। क्या हुआ बेटी, कहाँ खो गए तुम? कुछ नहीं, कल कहाँ जाएंगे पिताजी? चिड़ियाघर। ओह चिड़ियाघर, वाह बहुत मजे करेंगे। पिताजी देखिए वो भालू कैसा खेल दिखा रहा है। हाँ बेटी, देखो बेटी, एक जंगल का पशु वो भी किसी और को खुश रखने के लिए कितना कोशिश करता है। और संदीप, तेरा इस तरह अपमान करने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई? आश्चर्य की बात है, तुम दोनों का ऐसा गहरा रिश्ता एक ही पल में वो भूल गया। मेरी गलती की सजा मुझे ही मिलेगी ना पिताजी? आप ये सब सोचकर उदास मत होना। इस तरह जाने मत दो बेटी, गलती को सुधारना सीखो। आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें नई सिरे से जन्म लेना होगा। मैं तुम्हारी कहीं और रिश्ता तय करता हूँ। नहीं पिताजी, अब इसकी जरूरत नहीं है। उससे तो मैं ऐसी ही अच्छी हूँ।
से हमेशा तुम्हारे पास आएंगे सब हो कर एक साथ। सुनेगा न मन कोई कारण, मानेगा नहीं अब किसी के बाद। बड़ा सिंघार हाथी देखो, उल्लू भालू है सब यहाँ, रंग बिरंगी चिड़िया यहाँ। ऐसा ही है चिड़िया खाना, देखोगे जितना सीखोगे उतना, जानोगे दुनिया मैंने माना। टाटा बाय बाय, जाने के बारी आए। टाटा बाय बाय, जाने के बारी आए। पिताजी देखिए वो भालू कैसा खेल दिखा रहा है। हाँ बेटी, देखो बेटी, एक जंगल का पशु वो भी किसी और को खुश रखने के लिए कितना कोशिश करता है। और संदीप, तेरा इस तरह अपमान करने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई? मेरी गलती की सजा मुझे ही मिलेगी ना पिताजी, आप ये सब सोचकर उदास मत हो। इस तरह जाने मत दो बेटी, गलती को सुधारना सीखो। मैं आज ही ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो, नौकरी छोड़ के खाना पीना छोड़ के चले जाओगे क्या? हाँ, छोड़ दूंगा, यहाँ पर रहूंगा तो बहुत कुछ छूट जाएगा। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, मुझे मेरे रूप में ही जीना है। मैं हंसूंगा, खेलूंगा, गाऊंगा, अपने मुंह से मैं बात करूंगा। यहाँ पे रहूंगा तो मेरी आजादी छिन जाएगी, मैं जा रहा हूँ। रुको, रात को तुम इस तरह चले जाओगे तो लोग मुझे कहेंगे। मैं चिट्ठी लिख के जा रहा हूँ कि मेरे जाने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं मेरी मर्जी से यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसा करके यहाँ से चले गए तब तो मेरी नौकरी चली जाएगी। यकीन कीजिए, ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं, तुम सबको बाहर जाके बोल दोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो फिर छोड़िए, मैं जा रहा हूँ। नहीं रुको, नहीं जाने दूंगा, छोड़िए मुझे, मैं नहीं जाने दूंगा, रुक जाओ। लोगों से क्या कहा था? सिर्फ संदीप पे नजर रखने को कहा था, मारपीट करने को कहा था। मारपीट करके तुमने संदीप को भी मारा और खुद भी जख्मी होके आ गए। शर्म नहीं आती? इसकी क्या जरूरत थी? क्यों अब चुप क्यों खड़े हो? बोलो, क्या जरूरत थी? जवाब दो। अरे जवाब दो, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। इतनी अच्छी नौकरी तूने छोड़ कैसे दी? तो और क्या करता, बचपन से क्या वो खून खराबा करता आया है? खून? किसका खून, कैसा खून? वो तुम्हारा दोस्त, उसने त्रिवेणी कुमार का खून करने के लिए भेजा था। ये क्या, प्रकाश ने तो ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया, और तुझे भी तो एक बार बोलना चाहिए था। बोल के क्या करता, आपने कभी मेरी बात मानी है क्या? शेयर मार्केट का बिजनेस करते करते हमारी जिंदगी का हिसाब किताब ही बिगड़ गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो,
ये मत भूलो, मेरे पास पैसा था इसलिए तुम्हें इतना बड़ा और काबिल बनाया मैंने, और उसी का नतीजा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये सब मेरे पैसों से हुआ है। भूला नहीं हूँ पिताजी, मैं कुछ भी नहीं भूला और भूला नहीं हूँ, यही मेरी तकलीफ है। चुप रहो संदीप। क्यों चुप रहूं माँ? बाप होते हुए भी इन्होंने मुझे गंदी राजनीति में ढकेल दिया। मुझे तो राजनीति नहीं करनी थी पिताजी, मैं तो एक साफ सुथरी जिंदगी बिताना चाहता था। हाँ, और साफ सुथरी जिंदगी बिताने के लिए तुम्हें चाहिए थी एक नौकरी जिसे तुम अपने आप हासिल नहीं कर सके। मैं तुम्हारा बाप होने के नाते तुम्हें प्रकाश के पास लेकर गए बिना गुनाह है क्या? हाँ, आप मेरी भलाई करना चाहते थे इसलिए आपके दोस्त ने मेरे हाथ में छुरी और पैसे दे दिए नौकरी कह के। उसे आप नौकरी कहते हैं पिताजी? अरे वो तो गैर कानूनी काम है, मुझे कोई गुंडा या बदमाश नहीं बनना है। जिसका खून करने गया था उसी ने मुझे नौकरी दी, चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में? हाँ माँ, तुम जब यहाँ बैठ के हंसती हो, बोलती हो, टीवी देखती हो, और मैं वहां चिड़ियाघर में भालू बन के बैठता था, दिन भर सर पटकता था, और यहाँ पर आके देखा कि मैं जिंदगी में सब कुछ खो चुका हूं। मेरी सारी प्यारी चीजें मुझे छोड़ के चली गई। आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया पिताजी, ऐसा क्यों किया? तुम चले जाओ संदीप, तुमसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या कह रही हो तुम? जो कह रही हो तुम्हें अच्छे से समझ में आ नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा, क्या हुआ क्या है? अब तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? तुमने मुझसे नौकरी के बारे में झूठ बोला, तुम एक झूठे हो, तुम धोखेबाज हो। रीना चिल्लाओ मत संदीप, ऊंची आवाज से झूठ को सच नहीं साबित कर सकते, असल में तुम किसी और के साथ जुड़ चुके हो। ये सब तुम क्या बोल रही हो? सही कह रही हूँ, तुम उस औरत से प्यार करते हो। झूठ है ये सब, सरासर झूठ है। झूठ? क्या मेरी आंखें भी झूठी हैं? मैंने इन्हीं आंखों से तुम दोनों को उस काली मंदिर में देखा था। अच्छा ये बात है, अरे वही तो है त्रिवेणी कुमार, उसी के पास तो काम करता था। अब तो शायद तुम ये कहोगे कि वही तुम्हारा बॉस है। वही तो, वही मेरी मालिक है, उसके घर पे मैं था, वही मेरा काम था। वाह बहुत बढ़िया, ऐसा काम है कि गाड़ी में बिठा कर बॉस को घुमाना पड़ता है। तुम गलत समझ रही हो। गलत मैं नहीं हूँ, तुम दोनों हाथ पकड़कर जिस तरह मंदिर के अंदर आए थे, फिर भी कहोगे मैं गलत हूँ? तुम दोनों के प्यार की बातों को मैंने अपने कानों से सुना है, वो भी क्या मैंने गलत सुना है? हाँ तुम गलती कर रही हो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो संदीप, इतना काम का दबाव है कि तुम मुझे दो लाइन खत भी नहीं लिख सके, और कितना झूठ बोलोगे तुम? मैं झूठ नहीं बोल रहा रीना, मैं चिट्ठी लिखना चाहता था लेकिन त्रिवेणी कुमार मुझे लिखने नहीं दे रही थी। वाह वाह, तुम पर उसका इतना अधिकार, तुम इतने नीच हो संदीप। छी रीना, रीना प्लीज मेरी बात समझो रीना। नहीं सुनूंगी, तुम्हारी कोई बात मैं नहीं सुनूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ संदीप, चले जाओ यहाँ से, तुम अपने बॉस के साथ खुश रहो। रीना छोड़ दो मुझे, मैं समझ लूंगी कि मैं एक धोखेबाज चरित्रहीन लड़के से प्यार कर बैठी थी। तुम्हें मेरी कसम, तुम फिर कभी यहाँ मत आना, और अगर तुम फिर कभी आए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। गोधूली के सब रंग क्यों सारे मिट गए, आकाश में घने में क्यों है छाए,
गोधूली के सब रंग क्यों सारे मिट गए, आकाश में घने मेघ क्यों है छाए, जिससे था अपनापन तोड़ दिया मेरा मन, जिससे था अपनापन तोड़ दिया मेरा मन, क्यों करके मेरे अपने दूर हुए, गोधूली के सब रंग क्यों सारे मिट गए, आकाश में घने में क्यों है छाए। भोर की हवा से जो कली खिल उठे, फूल बन के क्यों वो खिले ना, पूर्णिमा रात में जब ज्योत्सना के दीप जले, आसमां में चांद सागर में जाकर यदि मिल जाए सारी नदी, बंजरों को कौन सींचेगा, जीवन की मेरी सब आशा उसका प्रेम उसकी भाषा, जीवन की मेरी सब आशा उसका प्रेम उसकी भाषा, क्यों आज दूर हुए, गोधूली के सब रंग क्यों सारे मिट गए, आकाश में घने मेघ क्यों है छाए। कैसा है जीवन में तूफान आया, बुझ गए देखो सारे दिए, मेरा हाल बुरा हाल ऐसे जीवन की कैसे लगेगी पार नैया, सारे सुर सारे गीत हाय क्यों खो गए, सारा खेल क्यों थम गया, शाम होने से ही पहले दिन क्यों ढल जाए, शाम होने से ही पहले दिन क्यों ढल जाए, संसार ये कैसा हुआ, गोधूली के सब रंग क्यों सारे मिट गए, आकाश में घने में क्यों है छाए, जिससे था अपनापन तोड़ दिया मेरा मन, जिससे था अपनापन तोड़ दिया मेरा मन,
क्यों करके मेरे अपने दूर हुए, गोधुली के सब रंग क्यों सारे मिट गए, आकाश में घने में क्यों है छाए। ज्यादा होशियारी मत करो प्रकाश जी, मैं आपको 2 दिन की मोहलत देती हूँ। इन 2 दिनों में अगर आपने मेरे होने वाले पति को वापस नहीं किया तो फिर मैं। ये तो बहुत मुश्किल हो गया, तब से तुम एक ही बात बोले जा रहे हो, होने वाला होने वाला। हाँ हाँ संदीप बैनर्जी, जिसको तुमने मेरे पास भेजा था मेरी जान लेने के लिए। वो तुम्हारा जान न लेके दिल ले लिया है, वो तुम्हारे घर से चला गया, मुझे भी नहीं पता। अब पता चला, मुझे संदीप वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अगर नहीं मिला तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। क्या हुआ बेटा? कुछ भी तो नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, अपनी माँ की आंखों को धोखा देगा? मुझे बोल क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ है माँ। कुछ ना हो तो ही अच्छा है। चले जाओ यहाँ से, तुम अपने बॉस के साथ खुश रहो। छोड़ दो मुझे। मैं समझ लूंगी कि मैं एक धोखेबाज रीना चरित्रहीन लड़के से प्यार कर बैठी थी। तुम्हें मेरी कसम, तुम फिर कभी यहाँ मत आना, और अगर तुम फिर कभी आए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ले बेटी दूध पी लो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा पिताजी। संदीप को यहाँ से निकाल देने के बाद तुम बदल गई हो बेटी। बेटी इस तरह जियोगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। कैसी तबीयत? माँ थोड़ा आंख उठा के देखो तो, संदीप का चेहरा कैसा मुरझा गया है। उसकी नौकरी लगवा दो भगवान, एक नौकरी लगवा दो। माँ 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 सुनो ना। क्या हो गया बेटा संदीप? माँ माँ इधर आओ ना। माँ माँ पोस्टमैन ये चिट्ठी देकर गया है। क्या है ये? नौकरी की चिट्ठी है। नौकरी? मैंने जो पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा दी थी ना, वो नौकरी मुझे मिल गई माँ। सच? हाँ माँ। माँ सब आपकी दया है, चलो पिताजी को बताते हैं, चलो। अरे सुनती है क्या? सुनना, तेरे बाप को तेरे बापू को मेरे बारे में बताई। नाटक। और एक बार बोल। नाटक। मधुर अति मधुर। सरकारी नौकरी मिल गई, वाह 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 वाह। अब देखना शादी के मार्केट में इसका कैसे वैल्यू बढ़ जाएगा। हमेशा पैसे की पड़ी है। अरे पैसा छोड़ के और रखा ही क्या है। तुम इतने नीच हो संदीप। रीना रीना प्लीज मेरी बात समझो। रीना नहीं सुनूंगी, तुम्हारी कोई बात मैं नहीं सुनूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ संदीप, चले जाओ यहाँ से, तुम अपने बॉस के साथ खुश रहो। रीना छोड़ दो मुझे। मैं समझ लूंगी कि मैं एक धोखेबाज चरित्रहीन लड़के से प्यार कर बैठी थी। तुम्हें मेरी कसम, तुम फिर कभी यहाँ मत आना, और अगर तुम फिर कभी आए। रीना मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आज मुझे सरकारी नौकरी मिली है, लगता है दौड़ के आके तुम्हें, लेकिन तुमने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रीना, क्यों किया? मेरी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढ के दो पंडित। बिल्कुल बिल्कुल, वादा जब मैंने आपसे किया है तो 6 महीने के अंदर ही लड़का ढूंढ के दूंगा। मैं कैसे भी करके आपके लिए अच्छा से लड़का ला कर दूंगा। जब गुरु ने बोल ही दिया तो समझो तुम्हारा काम हो ही गया। ठीक काम, ये मेरा पुश्तैनी धंधा है। हाँ वो जो आदमी बैठा है ना, उनकी शादी कराई थी मेरे पूजनीय पिताजी ने,
और उनके पिताजी की शादी कराई थी हमारे दादाजी ने। हमारे दादा के दादा का यही धंधा था, मतलब हमारा पुश्तैनी धंधा है। अब अपने छोटी बेटी का हाथ पीला करने के लिए पंडित के पास आया हो? मैं तो गुरु के भरोसे ही जी रहा हूँ। मेरा भी शादी जल्दी से करवा दे गुरु। पीछे पड़ो, पीछे पड़ो, तेरी भी शादी करवाऊंगा। चुप बैठ। मेरी शादी इस जन्म में इसके लिए लड़की भी मुझे ढूंढनी होगी, इतनी बड़ी लड़की। बिल्कुल सही बात। चुप बैठ। मैंने 12वीं पास की थी सेकंड डिवीजन में। मैं चाहता तो नौकरी कर सकता था, लेकिन हमारे पुश्तैनी बिजनेस का क्या होता? तो फिर मैं अभी चलूं पंडित जी। ये क्या हुआ? मैं भी आपसे वही पूछने वाला था। बंदर। क्या बोला? हनुमान। है चिंपांजी। आपने आप एक क्या 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 आ, 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 आपकी बात आपको मुबारक। क्या आपने जो बोला वो आप हो? हाँ। फिर मिलोगे तो समझा दूंगा अच्छी तरह से। हाँ। ये क्या नींबू मिर्ची लगा के रखा है? शिवशंकर जी आइए आइए बैठिए बैठिए। वो माथे पे चोट हाँ लगा ना? वो तो शुभ है। किसका? तुम्हारा या मेरा? दोनों का। मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। मेरे लिए खबर है तो अच्छी होगी, देख लिया ना? बोलिए। मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है, 7,000 रुपए महीने पे। कितना? 7,000। सुना नहीं तूने? 7,000। अब मेरे बेटे के लिए एक अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, लड़की। मैं किस्मत वाला हूँ जो आप मेरे ऑफिस में आयो। आपका लड़का जो 7,000 की नौकरी करता है उसके लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढ लूंगा मैं। इस बार बड़ा दहेज लूंगा। कलर टीवी, VCR, मारुति। मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये आपके पंडित का वचन है। ठीक है, चलता हूँ मैं। वो एक और बात है, वो जो आदमी आया था ना, इस बार मैं उसको बंदर बोल के जा रहा हूँ। हे पंडित जी, इसके बेटे का मेरी बेटी के साथ शादी कराओ ना। आप पागल जैसी बात क्यों कर रहे हैं? वो क्या है, आपकी लड़की तो ये पास है वो पास है, मतलब कुछ भी पास नहीं है। और ऊपर से आप लोग है कायस्थ और वो है ब्राह्मण। बेटे का नाम है संदीप बनर्जी। मैं उसकी फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है उसकी फोटो। एकदम हीरा लड़का है ये। आप सही बोल रहे हो ना भाई साहब? हाँ, पंडित ने मुझे संदीप का फोटो दिखाया, नाम बताया। दरअसल वो अपने बेटी की रिश्ता के लिए गया था लड़का ढूंढने। विश्वास कीजिए, मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब कि संदीप बाबू से आपको प्यार भी है। अब पता चल गया ना? हाँ। संदीप के पिताजी को बोल देना, मेरे साथ शादी रचाने के बाद मैं उन्हें नगद 3,00,000 रुपए दूंगी। ठीक। कितना दूंगी कहा? 3,00,000। और उनसे ये भी कहना कि उन्हें जो जो चाहिए, VCR, कलर टीवी, फ्रिज, वो सब मिल जाएगा उन्हें, सब। एकदम बढ़िया बात। मेरी मेरी सारी बात मान ली गई है। मैं इसी लड़की के साथ शमरी की शादी करवाऊंगा। सर नगदी और दहेज। संदीप से एक बार पूछ तो लो। अरे संदीप से क्या पूछना? कुछ भी हो, संदीप त्रिवेणी के घर पे कितने दिन रहा, उसको एक बार पूछ तो लो। अरे हटाओ, त्रिवेणी हमारे संदीप से शादी करना चाहती है, ये तो उसकी खुशकिस्मती है। लेकिन ये शादी मैं नहीं करूँगा पिताजी। नहीं करोगे मतलब? त्रिवेणी तुम्हारे काबिल नहीं है? काबिल ना काबिल का सवाल नहीं है पिताजी। सुनो, एक बात साफ साफ सुन लो, तुम्हारी शादी के लिए मेरा डिसीजन फाइनल है। मैंने भी आपको मेरा फाइनल डिसीजन दे दिया है पिताजी। देख लिया आशा, तुम्हीं कहा था ना तुम्हारे बेटे के दूध के दांत नहीं टूटे, अब ये मेरे से जुबान लड़ाने लगा है। कैसी अजीब बातें करते हो, उसको समझने की कोशिश तो करो। नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ये शादी होगी। पांडे सब बंदोबस्त करो। लेकिन दिन तो फिक्स ही है, परसों अच्छा दिन है, उस दिन आप शाम को दोनों हाथों को 4 हाथ कर दीजिएगा। वैसे ही करो। तो फिर परसों के लिए त्रिवेणी को खबर करवा दो। वो क्या है कि कल सुबह 10 बजे त्रिवेणी खुद ही मेरे ऑफिस में आएगी। तुम राजी नहीं हो? ये तुम क्या कह रहे हो संदीप? नहीं,
आपसे मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? वजह आपको नहीं पता? आपको तो मैंने सारी चीजें बताई हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप ये खेल क्यों खेल रही हैं? खेल? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जिंदगी के साथ खेल खेल रही हूँ? खेल नहीं तो और क्या। आप ये अच्छे से जानती है कि मैं सिर्फ एक ही से प्यार करता हूँ, और वो आप नहीं है, रीना है। लेकिन संदीप, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। लेकिन आपका ये प्यार मेरे लिए मायने नहीं रखता। मायने रखता है संदीप। उस दिन मंदिर में मैंने भगवान के सामने जो मन ही मन प्रार्थना की है वो जाया नहीं जा सकती संदीप। मंदिर? मंदिर तो आप मुझे जबरदस्ती ले गई थी। आपको जो चाहिए था वो आपने भगवान से मांग लिया, और मुझे जो चाहिए वो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो क्या चाहते हो तुम, कि मेरी तुमसे शादी कभी ना हो? हाँ, भगवान नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। मैं रीना से प्यार करता हूँ और शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी संदीप। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जी सकती। जबरदस्ती दिल नहीं जीता जाता, ये मन की बात है, और रीना मेरे मन में बसी है। ये क्या कह रहे हो पिताजी, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं भी नहीं सोच सकता था बेटी। अगर मैं उस पंडित के ऑफिस में नहीं जाता तो तुम्हारी पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी एक झूठ रह जाती। छी 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 छी, बिना सोचे बिना समझे मैंने संदीप का कितना अपमान किया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन संदीप तुमसे नाराज होके चला गया। अपनी बात साबित करने के लिए फिर से नहीं आ सकता था? यहाँ वो कैसे आएगा, मैंने उसे कसम जो दी थी। ये सब सोच के अब क्या फायदा बेटी, कल ही संदीप की शादी त्रिवेणी कुमार के साथ तय हो गई। क्या? हाँ। ये क्या? नहीं नहीं पिताजी, पिताजी कुछ तो कीजिए, पिताजी पिताजी कुछ तो कीजिए। अंकल। हाँ बेटी। संदीप भैया ने ये चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी? देखो तो। क्या लिखा है? प्रणाम अंकल जी, मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ। रीना की शादी अच्छी जगह पे करवा देना। आपका संदीप। नहीं संदीप, संदीप। बेटी कहाँ जा रही हो? संदीप, 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 मुझे छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती थी, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? बोलो, मुझे माफ नहीं कर सकते? बोलो संदीप, माफ नहीं कर सकते? संदीप। रीना। संदीप। रो मत। एक, दो, तीन, हो गया ना? ये क्या? इस पैसे को हाथ मत लगाओ। क्यों? संदीप ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बोला? वो रीना नाम की किसी लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। आराम से सर, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। अरे रखो तुम्हारे हार्ट का प्रॉब्लम है। ये देखो इनविटेशन के लिस्ट, मैं खुद जाकर के सबको इनवाइट करके आया हूँ। कल सुबह से ही सब लोग आना शुरू कर देंगे। शाम को शादी जो है, बहुत बड़ा हॉल मैंने भाड़े पे लिया है। क्या मुसीबत है? ये सब तुमने हमसे पूछ के किया था? जो भी किया अपनी मर्जी से किया? हाँ किया है। आज तक जो भी इस घर में हुआ वो मेरी मर्जी से हुआ है। हाँ। मैं क्या बोल रहा था सर, कि वो संदीप बाबू मेरे चैम्बर में आके त्रिवेणी कुमार को बहुत उल्टा सीधा बोला है। हाँ। इसके बाद भी त्रिवेणी हमारे संदीप से शादी करना चाहती है। संदीप की क्या किस्मत है? इसको किस्मत नहीं, इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। त्रिवेणी जी संदीप बाबू को भगवान की जैसा मानती है, इसलिए आपने जो जो कुछ मांगा है ना, वो सब कुछ देने को तैयार है। देख लिया आशा, संदीप को लड़की कितना चाहती है। इस घर की बहू बनने लायक लड़की मिल गई है। देखो कल शादी है, लेकिन आज ही दहेज भेज दिया उन्होंने। हाथ मत लगाओ। ये शादी तो होगी, संदीप के साथ त्रिवेणी की शादी होगी ही। अजीब बातें करते हो, संदीप की मर्जी के बिना तुम उसकी शादी कर दोगे? हाँ करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा। ओ त्रिवेणी जी का इस घर में बहू बनना पक्का है। संदीप बाबू के चाहने ना चाहने से क्या होता है? क्या बात कही है तुमने, जिसकी शादी है उसी से नहीं पूछना है। हाँ होगी। नहीं नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं सर, अपनों से पराए ही अच्छे होते हैं। और पराए से जंगल अच्छा। वैसे पंडित जी, आप और पिताजी मिलके घर को जंगल बना रहे हैं ना? तुम तो उड़ रहे हो, पंख लग गया तुमको।
हमें घर तो तुम्हें जंगल ही लगेगा। ओ, ओ, तुम बाप बेटे मिलके फिर से शुरू हो गए? शुरू नहीं किया लेकिन अब करूँगा। कल अगर वो शादी के लिए राजी नहीं होता है तो मैं उसे बेदखल कर दूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? जो मन करे वही कीजिए, मुझे बेदखल कर दीजिए, लेकिन मैं मेरी सद्बुद्धि और प्यार का त्याग नहीं कर सकता पिताजी। ये टेबल पे 3 लाख रुपया है, इस अटैची में 3 लाख रुपया है, ये सारे लाखों रुपए मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? बोलना है, कहीं और शादी होगी तो इतना रुपया मिलेगा? त्रिवेणी को मैंने जुबान दे दी है कि शादी का सारा बंदोबस्त मैं कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी इज्जत के खातिर मैं अपना मान सम्मान इज्जत दांव पे नहीं लगा सकता हूँ। अब ये शादी होगी, ये शादी होगी। नामुमकिन। नामुमकिन? कोई नामुमकिन उमकिन नहीं। कैसा नामुमकिन? सुनो सुनो, शिव बनर्जी जो चाहता है ना वही करता है। पंडे जी, कल शादी होगी। जी होगी। जय माता दी। क्यों रो रहे हो तुम? बोलो क्यों रो रहे हो? हमें माफ कर दो मामी जी। किस चीज की माफी? क्या बात है, क्या हुआ है? भाभी, यही आपकी वही नेकलेस है जो हमने चुराया था। ये तूने क्या कर लिया? गलती हो गई थी मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए आपके यहाँ से जाने के बाद इस नेकलेस के बारे में कभी नहीं भूल पाई। मैं और माँ पश्चाताप की आग में जलते रहे, बार बार सोचा तुमसे आके हार वापस कर लूँ, शर्म के मारे आ नहीं पाए। बहुत देर हो चुकी है और देर होने से भगवान हमें माफ नहीं करता, इसलिए हम यहाँ भाग कर आए हैं। भाभी भैया हमें माफ कर दो, भैया भाभी माफ कर दो हमें। भाभी हमको माफ कर दो, मामी हमें माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो माफी का तुम्हें खुद ही मिल गया। भाभी तुम्हारी भाभी ठीक ही बोल रही है और ये हार सही वक्त पे लाई है। कल संदीप की शादी है। अरे बाप रे, कल संदीप की शादी है? मैं ये शादी नहीं करूंगा बुआ। फिर से एक ही बात, शादी नहीं करेगा? तेरा बाप शादी करेगा। देखो ना ननद जी, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, चलो अंदर चलो। सब बताओ, अंदर लेकर जाओ, और मेरी बहन है मेरी तरह ही बात करेगी, वो देख लेगी। चलो चलो अंदर चलो। ए पंडित। हाँ सर। मेरे पैसे? ये पैसे अटैची के अंदर है सर, अटैची के अंदर। कल शादी के समय दे दूंगा ना। हाँ, हाँ, दे दूंगा। शादी में तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। तुम चिंता मत करो मामा, मैं जी जान से मेहनत। ये 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 क्या 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 क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जी जान से मेहनत करूंगा। ये क्या कर रहा था मैं, जान लड़ा दूंगा मामा, तुम चिंता मत करो। अब क्या करे बोलो तो? मैं भी वही सोच रहा था, बड़े साहब भी त्रिवेणी कुमार के साथ ही शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन छोटे सरकार और माची बिल्कुल राजी नहीं है। लेकिन भैया तो उस चीना नाम की लड़की से प्यार करते हैं। उसका नाम चीना नहीं है, रीना। रीना? हाँ हाँ, एक ही बात है, लेकिन पिताजी का रोब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो त्रिवेणी के साथ ही उसकी शादी करवाने वाले हैं। तो फिर रीना का क्या होगा? क्या पता, पूरी जिंदगी कुंवारी बन के रहेगी और दुख से म्याऊं म्याऊं करके रोएगी। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, समझे? अच्छा सुन ना, अगर तेरे बापू हम दोनों की शादी अगर ना करवाना चाहे तो फिर तू भी ऐसे ही रोएगी, हमेशा बिना शादी के रहेगी? हाँ? अरे ऐसा क्यों? पिताजी हमारी शादी के लिए राजी हैं। राजी हैं? हाँ। क्या हुआ, पैसे नहीं लिए? लेंगे लेंगे, कहा है कि शादी के समय पर लेंगे। ओ, संदीप शादी के लिए राजी? हाँ बिल्कुल, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, राजी हो जाएगा। शादी से पहले शर्म आती है ना, वही छोटी सी शर्म, थोड़ी सी संकोच, वही सब। हाँ, लेकिन ऑपरेशन चल रहा है। हाँ, कट 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 कट, मुझे लगता है कि आज रात को ही पूरा मान जाएगा। अरे हटो जरा, देखना था, देखो देखो। अरे हटो ना, अरे मेरा भाई क्या सुंदर दिख रहा है। अरे देख क्या रहे हो, सेंट लगाओ सेंट लगाओ। अरे लगाओ ना बोला, कर रहे हो? अरे ऊपर से नीचे तक लगाओ। अरे क्या लग रहा है मेरा भाई, अब गाड़ी में जाके बैठो और शादी कर लो मेरे भाई।
तुम्हें भी शांति और हमें भी शांति और दिल खोल के खाएंगे। क्या हो गया बेटी, तैयार हो गई? हाँ मामा, तैयार हो रही हूँ। तैयार होना मतलब? तू तो अभी तक तैयार ही नहीं है। अरे शाम को शादी है भाई, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। नहीं नहीं, जल्दी करो, जल्दी तैयार हो जाओ। कितने बड़े खानदान की लड़की है त्रिवेणी, कितनी बड़ी राजनीतिज्ञ है। आज वो मेरी बहू बनने जा रही है, इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही है। खुशी संदीप और भाभी का भी कुछ कम नहीं हो रहा है। पहले तो दोनों नासमझ बन रहे थे, अभी तो सब ठीक हो गया है। सब तुम्हारे ही कारण। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? अरे ननद जी, हा? आप अभी तक तैयार नहीं हुई, यहाँ देर हो रही है सबको, मैं जाती हूँ। सुनो हाँ। तुम तैयार होके जल्दी से वहाँ चले। हाँ, हाँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, हाँ, आराम से जाओ, आराम से जाओ, जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ बेटी? आओ ना मामा, अंदर आओ। अभी भी तैयार हो रही है? बस हो रहा है, थोड़ा और टाइम लगेगा। ठीक है वक्त लगने दो, बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। तू आखिर दुल्हन है, मैं कैसे लगाऊं, जरा बोल। बढ़िया, मेरी बेटी की शादी है, तैयार तो होना ही पड़ेगा। वाह, कल रात को जब तुम्हारा फोन आया तो मुझे कितना आनंद हुआ, तुम्हें नहीं बता सकता। रात की फ्लाइट से कोलकाता आ रहा था और ऐसा लग रहा था कब तुम्हारे पास आओ और तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखूं। नहीं नहीं, तुम तैयार हो जाओ। जब से मैंने तुम्हारे मुंह से संदीप का नाम सुना, तब से मैं उसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आइए 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 आइए, जय बाबा जय बाबा, आइए आइए चलिए। ये यहाँ क्या लिखा है, संदीप और रीना है? ये कैसे हो सकता है, लिखने में इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? नहीं 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 नहीं, भूल नहीं है, भूल नहीं है। तो फिर डेकोरेटर ने सही किया है, ये जो काम है ना मेरी वजह से हुआ है। तूने करवाया? मामी के कहने से। मामी के कहने पर? क्या 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 क्या? अंदर जाके देखो, दुल्हन ना बदल गई। लड़की बदल गई मतलब? मामी के कहने से सार, मैं और माँ जाके संदीप जिसे पसंद करता है रीना, उसे लेके यहाँ आया। वही तो आजकल दिखाता हूँ मजा, चलो अंदर दिखाता हूँ मजा, हराम खोरो। तुझे तो मैं पहचानूंगा। आशा, ये आशा, बहुत मैंने पलटू को मुझे क्या सुना? सुनो तुम गुस्सा बिल्कुल मत हो, अरे मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, चलो अंदर आओ। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? आओ ये देखो। ये सब क्या कर दिया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा? ये है रीना, तुम्हारे बेटे की दुल्हन। नहीं, उफ, चुप रहो तुम। रीना तुम्हारे ससुर जी हैं, प्रणाम करो। ए, रुक 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 रुक। उफ, कैसा आदमी है, आती हूँ। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो बैठो। आइए मैडम। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सीन क्रिएट मत करो। क्रिएट करूंगा मैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरे किसी को भी मेरी बहू बना दूंगी मैं, मान लूंगा क्या? ओफो, तुम भी देखो ना दीदी। भैया भाभी जो चाहती है मैं भी वही चाहती हूँ। जानता हूँ जानता हूँ, पलटू के साथ सब लोग मिलकर मेरे खिलाफ जा रहे हो। नमस्कार संदीप जी। जाओ हनुमान बंदर, चुप बैठो। क्या हो रहा है? ओह तुम भी ना बच्चों जैसे करते हो। अरे भाई आप यहाँ क्यों खड़े हो? ऐसे ही खड़ा हूँ, खड़ा हूँ, ऐसे ही खड़ा हूँ मैं, मुझे बहुत चिंता है। अरे कैसी चिंता? कोई चिंता नहीं दादा, कोई चिंता नहीं, आप जाइए आप जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं, जाइए। सुनिए सुनिए, बाहर नहीं बाहर नहीं, आराम से दादा जाइए, आराम से जाइए। आप हमें हनुमान बंदर किसी के नाम से ही बुलाइए, लेकिन मेरी बेटी के लिए अपने चरणों में स्थान दे दीजिए प्लीज। आप नाराज मत हो, किसी और को नहीं पता लेकिन मुझे पता है, तुम बाहर से जितना सख्त हो अंदर से उतना ही नरम हो। देखो हम इतने दिन साथ रहे लेकिन मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ, तुम संदीप के साथ रीना की शादी करा दो, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। भैया वो देखो आ गई। भैया जरा बहू को देखो ना। आओ बेटा इधर मुंह तो घुमाओ, जरा देखो ना भैया, देखो ना कितनी सुंदर, बिल्कुल लक्ष्मी है लक्ष्मी। और मुंह मत लटकाओ। समधी जी मेरी बेटी को आप अपने घर की बहू बना लीजिए प्लीज, और इस गरीब ब्राह्मण को बेटी से चिंता मुक्त कीजिए। अब डायलॉग बाजी मत करो, गरीब ब्राह्मण की बेटी, ये सब फिल्मी डायलॉग बंद करो। है समधी जी, बेटी की शादी करवा रहे उसका मतलब झुक जाओगे? सीधे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा
पैर छुओ। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी सुंदर है मेरी। सब हट जाओ। संदीप, ये भी भूल रहे हैं। क्या हुआ? तेरे पिताजी ने रीना को मार लिया। या। सच में? अरे अरे बाप रे, ये क्या? एक तो लड़का और दो दुल्हन। एक बार है और दूसरी अंदर है। ये क्या? अरे बाप रे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ इसे? अरे चुप रहो, अरे बाप रे, कहाँ है? छुपा बाहर आई हुई है गाड़ी से, साथ में उसके वो भयंकर भयंकर मामा वो भी आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? आपको क्या हो गया? क्या होगा? जाओ उसे मैं समझाता हूँ। क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है? मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। मामा, ये शिव जी है। ओह, मैं त्रिवेणी का मामा। ओह, आप ही हो मामा। नमस्ते मामा। नमस्ते। नमस्ते। बोलिए क्या बोलना है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बेटे के पसंद के खिलाफ आपकी भांजी के साथ मैं अपने बेटे की शादी करवाने जा रहा था। आप क्या चाहते हो? मेरा बेटा जिसे पसंद करता है, ये रीना, इसी रीना के साथ मैं अपने बेटे की शादी। और मेरे भांजी का क्या होगा? मैं मानता हूँ कि मुझसे भूल हो गई है। भूल? नहीं, ये तुम्हारी भूल नहीं है, ये आपके लालच का नतीजा है। आपके लालच की शिकार मेरी भांजी क्यों बनेगी, तुम बता सकते हो? बचपन में ये अपने माता पिता को खो बैठी थी, तब से इतने दिनों के बाद उसके मुंह पे हंसी देखी है। आप उसकी हंसी छीन नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। आप शांत हो जाइए, आप जरा शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं बताओ जरा? इसने जो सपना देखा था कि संदीप के साथ उसकी शादी होगी, और आपने भी साथ दिया था उसका। शिव जी, आपने ही उसे वचन दिया था आपके घर की बहू बनाने का। देखिए, मैं संदीप की माँ हूँ, हमसे गलती तो हुई है, लेकिन आप विश्वास कीजिए, हम लोग आपकी भांजी को धोखा नहीं देना चाहते थे। मेरा बेटा भी नहीं चाहता और मेरे पति भी नहीं चाहते। आज मेरे बेटे की शादी है, इस दिन को आप लोग खराब मत कीजिए। आप संदीप की माँ हो, इसलिए आप अपने बेटे के ही बारे में सोचोगी, इस बेटी के बारे में नहीं सोचोगी। ये अगर आपकी बेटी होती तो आप ऐसा कर सकती थी? ऐसा मत बोलिए त्रिवेणी, तुम्हारे बारे में संदीप के मुझसे कई बार सुना, तो मेरी बेटी जैसी तो है। इस बेबस माँ को हो सके तो माफ कर दे। कैसी माफी? अपने ही हाथ से अपना गला रेत कर वो आपको माफ कर दे? देखिए, आप लोगों की बातचीत के बीच मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। वो मेरी बेटी रीना, उसका क्या कसूर है बताइए? उसके बारे में नहीं सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। सोचना आपको पड़ेगा ही, ये मेरी एक विनती है। तुम हो संदीप का प्यार, बहुत खूबसूरत हो। भगवान ने सारी खूबसूरती तुम पर निछावर कर दी है। अपना हाथ आगे लाओ। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। तुम बहुत किस्मत वाली हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अपने पति के साथ खुश रहो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। अरे बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? ठीक ही कर रही हूँ मामा।
मैं समझ गई हूँ ये मेरी जगह नहीं, इसलिए ये जगह जिसकी है उसे लौटा रही हूँ। क्यों संदीप, सही किया ना? नहीं, ये तुमने सही नहीं किया बेटी। आज इसी मुहूर्त में तुम्हारी शादी होने वाली थी। अब अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम कलंकित हो जाओगी। आप लोग जो भी इस घर में मेहमान आए हो, आप लोग ही बोलिए मेरी भांजी का क्या होगा। लेकिन त्रिवेणी के लिए लड़का कहाँ मिलेगा? शिव बाबू, आप त्रिवेणी की शादी किए बगैर आप अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकते। त्रिवेणी कुमार यहाँ थोड़ी ना खुद से आई, आप ही ने तो बुलाया उसे। आज यहाँ शादी होगी तो दो दो शादियाँ होगी। कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। लड़का आपको ही ढूंढना है तो फिर हम खाएंगे, क्या सबको मंजूर है? अरे सुनो, उस पंडित के पास बहुत से लड़कों की कुंडली है, हाँ। उसे बोलो ना, एक लड़का ढूंढ देगा। लेकिन उस हराम खोर को मैं अभी कहाँ ढूंढूं? देखो ना। ए पंडित जी कहाँ चले गए? ओह, काम के समय कहाँ भाग जाते हैं। अरे पांडू, पंडित। अरे ओ पांडू वाला पंडित जी। अरे वो ऐसे नहीं आने वाला। मैं ट्राई करता हूँ। पंडित जी, इसकी आवाज सुनकर शायद आए। पंडित जी, मैं यहाँ हूँ। ये पंडित जी, हाँ? देखो आगे। वहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था, मेरा धोती ना वो खुल गया था। अरे उसको पहले संभालो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मामा जी, मैं वहाँ पे जाकर के वो वहीं पे छुप जाओ। अरे वहाँ छुप के क्या होगा, जल्दी जाओ, एक अच्छा लड़का लेकर आओ, जाओ। बापरे, अब मैं कहाँ से अच्छा लड़का लेकर आऊँ? अरे तुम तो पंडित हो, जाओ कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? कहीं दुकान में बिकता है क्या वो जो लड़का ढूंढ करके लेकर आओ? अरे जाओ कुछ भी करो, लेकिन अभी तुम मेरा बीपी मत बढ़ाओ। सत्यानाश हो, हाँ। जाओ जल्दी जाओ, जो भी शिक्षित लड़का मिल जाए उसे राजी करो, जितना रुपया चाहे मैं दूंगा। अच्छा जाता हूँ, कुछ करता हूँ। जाओ इतनी रात को कहाँ ढूंढूं मैं? जाओ ना, जाओ, जाओ, क्यों जाओ, 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 अरे जा ना भाई, जाता हूँ। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो अंदर। कहाँ जाना है? अरे बाबा, जहाँ पर शादी हो रही है। सुनो बटू भाई, तुम्हें ना त्रिवेणी कुमार से शादी करनी है। मेरे से शादी? अरे क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है? सुनो, वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। सुनो, मुझे कोई लड़का नहीं मिला, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बटू भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि त्रिवेणी कुमार के पति हो। अरे वक्त बीता जा रहा है, क्या बात है? बुलाइए ना। हाँ बुलाइए। अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। अरे कह रहा हूँ बुलाइए, आप तो पुरोहित हैं, आपकी सुनेगा वो। अरे क्या हो गया बड़े भाई, चलो आ जाओ। अरे क्या सोच रहे हो? अरे मुझे बहुत सारे काम है, क्या करो? तुम्हारे भाई की शादी है, तुम मुझे बताओ तुम्हारा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? बताओ कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? तुम जाओ यार, मुझे मेरा काम कर दो। अरे मुझे कहीं और जाना है, मेरी बात मान जाओ। अरे जाओ, अरे मैं रात को लड़का, ये क्या नाटक है? वक्त बीता जा रहा है, कोई क्यों नहीं आ रहा है? अरे साहब, देर हो जाएगी, मुहूर्त निकला जा रहा है, अब मैं क्या करूं बोलो ना। अरे बाबू, पुड़िया तलना शुरू कर दूं क्या? मेरा सर तल दे, इसको पूरी की चिंता पड़ी हुई है। अरे कुछ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अरे सुनते हो, कहाँ चले गए? देख कितना बज रहा है, देख। अरे दूल्हा आ गया, चलो। अरे पहले उसे बाहर तो आने दे। ये पंडित जी कहाँ चले गए? अरे भारत आ गई। आइए बाहर आओ। आइए वाह, आइए जल्दी आओ। आइए आराम से, आइए संभाल, आइए। अरे विपिन, तू आ दोस्त, ये मेरा बेटा है, तेरी भांजी के लिए लेके आया हूँ। क्या बात कर रहा है, मुझे तो अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा है।
मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। नहीं नहीं, इसमें एहसान किस बात की देवर जी, और लड़की को हम पहले से जानते हैं, बचपन से देखते आ रही हूँ। पंडित ने जब हमें उसके बारे में बताया तब बिना कुछ सोचे समझे ही हमने हाँ भर दिए। लेकिन एक शर्त है, शादी में हम थोड़ा सा भी दहेज नहीं लेंगे। अब वो लड़का तुझे पसंद है कि नहीं बोल। क्या बात कर रहा है, ये पसंद नहीं आएगा? बिल्कुल पसंद है, बचपन में देखा था उसे। अरे वही छोटा बच्चा अब क्या करता वो तो पूछ। मैं अभी MBBS पास किया हूँ, ज़ैनडू हॉस्पिटल में अभी हाउस सर्जन हूँ और साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद दे रहा हूँ बेटा, आयुष्मान भव। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो ॐ भद्रं गणेभिः शृणुयां देवा भद्रं पश्येमाक्षभिरजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवां वां सस्तनुभिर्वशेमहि देहितं यदायोः। ए उतरो, सब निकलो बाहर। अरे हम आ गए। ओए कहाँ जा रहे हो? तू अकेले शादी करेगा क्या? मेरी बेटी को ले जा। तुम अटक मत जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो मेरे साथ आओ। ओम शिम शंकर भव, ओम दीवान भव, मा महो हो रक्तबारम लसिवो ई नमो कट्टब्लू फ्लो आलो बुली चनी दो। जय माता दी। अरे शंख बजाओ, शंख बजाओ, हमारा भी शादी करवाओ। पापा मुझे भी सेहरा पहना दो। ये ये मेरी पुत्र बधु है, मेरी बीवी। आओ बेटी आओ, जाओ। अरे अरे आप लोग पहचाना उसे, मेरी बेटी है वो। ये और मेरी बेटी एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए ये बिना दहेज की शादी कर रहा है। ये है मेरा भान। हाथ अटक गया। हाँ चलो दूसरा बैठ जाओ लाइन पे, चलो शादी शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, चलो चलो। हाँ चलो डालो टाको टाको। हाँ धीरे धीरे धीरे, हाँ थोड़ा धीरे धीरे। हाँ क्यों रे गेस्टो, बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब तुझसे शादी करूंगा ना तो मैं भी तुझसे दहेज नहीं लूंगा। समझे समझे जी, बेटे की शादी में दहेज नहीं लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर आप मुझे कभी हनुमान नहीं बोलेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों खुश हो ना? सच में आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मतलब मैं आज भी बुरा नहीं हुआ। हेलो, हाय हाय, आपको बोल रहा हूँ। हाँ आप लोगों से ही कह रहा हूँ, देख लेना एक पंडित का कमाल और उसका जादू। और एक बात, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है ना तो हमें याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मेरा नाम तो जानते हैं ना आप, पंडित पांडुराम।